क्वेश्चन नंबर 5 में एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां पर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यानी कि स्फेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज बाय अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉशियन सरफेस वेरीज विद रेडियस। ये ना सिर्फ बातें बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आर की वैल्यू, फाई की वैल्यू कितनी है, ये एक स्फेयर बना लें अपने मन में, ये कैपिटल आर स्फेयर है। स्मॉल आर की वैल्यू अगर लेस देन आर है, यानी कि आप स्फेयर के अंदर हैं, तो इतना फ्लक्स है, और अगर आप स्फेयर के बाहर हैं ग्रेटर, तो फिर फाई नॉट फ्लक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। तो दो वैल्यूज ऑफ फ्लक्स गिवन है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ रीजन इज गिवन एज। अब यहां पर दो आंसर निकलेंगे, एक लेस देन आर का और एक ग्रेटर देन आर का। अब सपोज करो इसमें गिवन क्या है, इसमें ये फ्लक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब आपको गॉस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टोटल फ्लक्स गिवन है। तो लेस देन आर में फ्लक्स होता क्या है, ई इन टू 4πr². अगर आपको कोई भी पॉइंट स्फेयर के अंदर गिवन है, जैसे ये स्फेयर है और आपको यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो गॉशियन सरफेस का रेडियस क्या बनेगा, स्मॉल आर। तो फ्लक्स क्या बनेगा इसका, ई इन टू 4πr². लेकिन आपको इस पोर्शन के अंदर का फ्लक्स तो ऑलरेडी गिवन ही है, ये रहा, इक्वेट करके ई की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप फ्लक्स बाहर निकालना चाहते हैं, तो बाहर अगर आप निकालना चाहते हैं तो स्फेयर का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर, और आप बाहर निकालना चाहते हैं तो ये स्फेयर ये बनेगा, इसका एरिया क्या बनेगा, ई इंटू 4πr², लेकिन आपको पता है कि फ्लक्स की वैल्यू बाहर कितनी है, फाई नॉट, यहाँ से ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट आंसर। तो एक बार फ्लक्स निकला ई डी एस से, और एक बार जो हमें गिवन वैल्यू उसके साथ क्या कर देना है, इक्वेट कर देना आंसर। क्या है पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, क्या हुआ है वैसे, हमने कितनों का हो गया, हो गया, कितनों का नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। देखो वही सेम क्वेश्चन है, क्यूब वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग गिवन है, एक इमेजिनरी क्यूब ले ली, साइड ए ये रहा, कहां पे रखा है, एज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू। इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम है, इसको देना चाहिए था कि क्यूब कहां पर पड़ा हुआ है। चलो मैंने एज्यूम कर लिया, चलो क्यूब कहां पर पड़ा हुआ है, एक्स नॉट पे पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या पता ओरिजिन पे पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो मैंने एक्स नॉट पे एज्यूम कर लिया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये ई वेक्टर है, यहां से ये भी ई वेक्टर है, ई वेक्टर की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज हो रही है। अगर मैं एक्स की वैल्यू ए पुट करता हूं, तो यहां पर वैल्यू कितनी है, ई नॉट ए। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर क्या पुट करता हूं, x नॉट प्लस a, यहां पर क्या आएगा, ये रीजन क्या है, x नॉट प्लस a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, e नॉट इनटू x प्लस a। तो e की वैल्यू दोनों पॉइंट पर डिफरेंट आएगी, क्लियर है। तो इसमें टोटल फ्लक्स क्या होगा, हमने हमेशा क्यूब में डिस्कस किया कि फ्लक्स या तो इस सरफेस में होगा या इसमें होगा, इनमें तो होता ही नहीं, क्योंकि e dx में एंगल क्या बनता है, 90। तो टोटल फ्लक्स यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ई E नॉट इंटू एक्स नॉट, यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, x नॉट, तो E की वैल्यू क्या है, E नॉट इंटू एक्स नॉट, इंटू एरिया क्या है, a स्क्वायर, ठीक, इंटू कॉस ऑफ 180, क्यों, क्योंकि E वेक्टर कहां है, राइट आई कैप है, और एरिया वेक्टर कहां है इसका, लेफ्ट। तो याद है ना, हमने क्यू के कई क्वेश्चंस किए, इस फेस पे E राइट होता है और एरिया लेफ्ट होता है, एंगल उनके बीच में 180। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, यहां पे क्या होगा, E कहां है, राइट, एरिया कहां है, राइट, तो एंगल क्या होगा, जीरो। तो E की वैल्यू यहां पर क्या होगी, E नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस ए, एरिया क्या है, a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ जीरो। तो कॉस 180 मैथ्स में क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस लग गया, देखो इस टर्म के आगे, ये वाली और ये टर्म ओपन कर ली, तो ये और ये टर्म कैंसल, तो क्या आ गया, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। फ्लक्स अब वो कह रहा है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, तो पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फ्लक्स है, ये पूरी टर्म है, इन दोनों को इक्वेट करके क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में क्यूब की पोजीशनिंग मुझे गिवन नहीं है, तो मैंने खुद एज्यूम कर ली ई नॉट, पर एक चीज नोट की आपने, वो ई नॉट अल्टीमेटली क्या हो गया, कैंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है, तो एक क्यूब वाली प्रॉब्लम अच्छे से देख लो, तो आपने नोट किया होगा बाकी क्यूब वाली प्रॉब्लम सिमिलर है, माइनर चेंज है, स्टेप क्लियर है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये तो किया हुआ है हमने, ऐसा कोई डाउट इसमें हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर
एट क्वेश्चन में ए एंड बी आर सेमी स्फेरिकल सर्फेसिस ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू, दिख रहा है मुझे हेमिस्फेयर है, विद ई वन एंड ई टू एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दियर सर्फेसिस। तो यहां पर इसकी सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन है, इसकी सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू है, वो क्यों? क्योंकि इसके सेंटर पे चार्ज कितना है, क्यू नॉट चार्ज है, तो सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज है, तो ई वन और ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस, वॉट इज द कंडीशन विच मे बी सेटिस्फाइड, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है ये बताओ। तो रूल नंबर वन, इसके अंदर पहली कंडीशन तो पक्का ही सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स की वैल्यू है, चलो इसको बाद में करते हैं, अदरवाइज वैसे मैं बता दूं कि इसमें पहले ये एक काम करते हैं कि इसके सेंटर से यहां पे अगर मुझे ई निकालना है ना, इसकी सर्फ पहले एक सरफेस की बात करते हैं, बस इस सरफेस की बात करते हैं, तो अगर मुझे इसके सेंटर पे ई निकालना है तो आई विल टेक अ गॉशियन सरफेस ऐसे इमेजिनरी, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, ई वन इंटू टू पाई आर वन स्क्वायर, 4 पाई लिख लो चाहे कोई बात नहीं, पूरा फेयर है 4 पाई लिख दो, आधा लिखना है तो 2 पाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसका अगर फ्लक्स निकालना है तो इसका गॉशियन सरफेस क्या बनेगा, आर टू का, तो ई टू इंटू टू पाई आर टू स्क्वायर या 4 पाई आर टू स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। इन दोनों को अब यहां से ये पता लग रहा है, अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज आर वन डिस्टेंस दूर ई लगाता क्या, ई वन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर, और ये पॉइंट चार्ज यहां पे ई क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर, तो ई की वैल्यू दोनों में सेम नहीं है क्योंकि दूरी दोनों स्फेयर्स की पॉइंट चार्ज से डिफरेंट है। तो एक बात तो पक्की है कि ई की वैल्यू तो इसमें सेम नहीं है, ठीक है, तो इसे और इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 2/2 कैंसिल, तो ये टर्म आ गई, बट फ्लक्स सेम है। फ्लक्स क्यों सेम है, क्योंकि चार्ज कहां पर है, सेंटर पे, चार्ज अगर सेंटर पे है तो दोनों स्फेयर्स का टोटल क्लोज बॉडी हो गई, क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा बांट दो। अब आपको कहोगे सर एक छोटा एक बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्यों, क्योंकि जितनी लाइंस इसमें से क्रॉस करेंगी उतनी लाइंस यहां से भी क्रॉस करेंगी, हमें तो ये देखना है कटिंग कितनी हो रही है, तो लाइन तो नीचे भी चाहे बड़ा है चाहे छोटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है स्फेयर है, नंबर ऑफ लाइंस ऊपर नीचे बराबर है, तो फ्लक्स की वैल्यू ऊपर की और नीचे की एग्जैक्टली सेम है। तो अगर यहां पे फ्लक्स सेम है तो ए ऑप्शन तो पक्का ठीक है, और अगर ये फ्लक्स सेम है तो ये दोनों और ये दोनों डिवाइड कर लेते हैं, तो ई वन आर वन स्क्वायर अपॉन ई टू आर टू स्क्वायर की वैल्यू 1:1 ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऑप्शन भी आ जाएगा, सी ऑप्शन इसके दो आंसर्स हैं। तो डिवाइड करेंगे दोनों फ्लक्स की वैल्यू को तो सेम आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं इसके, ठीक। तो पहला रीजन फ्लक्स सेम है, E फ्लक्स की वैल्यू ये रही, अगर ये नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, E1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वन स्क्वायर, E2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू स्क्वायर, इन्हें डिवाइड कर देते हैं, E1 वन बाई ई टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर बाय, लो क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर आ गया, ऐसे कर लो, ठीक है। लास्ट लेक्चर सुन के आया आयुष, तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो ऐसे कर लोगे तो भी चलेगा। एट के बाद तो नहीं था कुछ भी, फिर से दोबारा देखो, फ्लक्स का मतलब ये है कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस छत को। अब ये देखोगे ना कि अगर ये हेमिस्फेयर है जो मैंने डायग्राम बनाया था, उसकी छत ऐसी है, छोटी है, पर लाइंस तो लाइंस पहले कट कर जाएंगी, बड़ा होगा तो लेट कट करेंगी, कट तो बराबर ही करेंगे, नंबर ऑफ लाइन तो उतनी जाएंगी। नेक्स्ट, कौन सा कर रहे थे हम, 13-14, हाँ ये शीट कंप्लीट हो गई थी, एक बार चेक करो सारी, हाँ इलेक्ट्रिक पे, नहीं इससे पहले एक और भी है, प्रेशर से पहले एक और भी चीज़ है, कुछ न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है करवाने लगा हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, ये मैंने डिस्कस कर लिया था, यहाँ से शुरू करना है, क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, ट्रिकी क्वेश्चन है अभी, शेल्स उलझा लेंगे पक्का, ठीक, पर ध्यान से पढ़ना,
बुकलेट ध्यान से पढ़ना, मेरी कोई ऐसा शेल का प्रॉब्लम है ही नहीं जो मैंने अपने किताब में नोट ना कर रखा हो, ये भी सुन लो। ठीक, एक दिन सारी किताबें रख ली थी टेबल पे, जहाँ जहाँ मुझे शेल दिखा ना मैंने सारे डाल दिए। तो शेल की प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं है, लेकिन वैरायटी मिलती रहेगी। जैसे ये एक ट्रिकी अलग सा क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। थ्री कंसेंट्रिक मेटल शेल्स, ठीक है, तीन मेटल के शेल्स हैं। तो मेटल की शेल में क्या होती है, इंडक्शन होती है, ये तो बात पक्की है। इंडक्शन कैसे होती है ये भी सुन लो, हमने वैसे डिस्कस की थी लास्ट टाइम, मैं फिर बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एक शेल है, ये रहा शेल, आपने पॉइंट चार्ज रख दिया, मेटल का शेल है, इसके अंदर की तरफ क्या आएगा, नेगेटिव, तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। वैल्यू क्या होगी नेगेटिव की, माइनस क्यू, वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव की, प्लस क्यू। रूल नंबर वन क्लियर, ठीक है। एक मेटल का शेल, दो मेटल के शेल, ये एक पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज में ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव, इंडक्शन होगी। ये थिक शेल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, थिक शेल होता तो यहाँ मेटल पर होता, इसके अंदर कोई चार्ज हो नहीं सकता था, ये कंसेंट्रिक शेल्स हैं, फर्क है। आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि ये थिक शेल है या ये कंसेंट्रिक शेल्स हैं। अगर तो थिक शेल है तो लास्ट टाइम वाला डायग्राम है, क्यू माइनस क्यू सीधा प्लस क्यू, बीच में चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये कंसेंट्रिक शेल है, बीच में हवा है, तो ये क्यू ये माइनस क्यू, तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, क्योंकि अब ये कंसेंट्रिक है, और बाय इंडक्शन यहां पर माइनस क्यू, बाय इंडक्शन यहां पर प्लस क्यू। समझ आ रहे हैं यहां तक? तो अगर ये Q इसके अंदर माइनस, इसके बाहर प्लस, इसके माइनस यहां प्लस, ऐसे। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि कंडक्टिंग शेल और थिक शेल में क्या फर्क है। लोग जो ध्यान से नहीं करते वो थिक शेल के अंदर भी सेम रूल लगा देते हैं, उसके अंदर का चार्ज है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नहीं लगाना थिक शेल के अंदर, एक थिक शेल में क्या करना है, थिक शेल में ये करना है, ये थिक शेल है या मेटल भरा होगा। अब प्रॉब्लम ये है ना, वो शेड करके नहीं देगा, शेड कर देगा लोग पहचान जाएंगे, वो कंसेंट्रिक शेल कितना लगते हैं। तो ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एक मोटा शेल है, एक शेल है, लेकिन ये दो शेल्स हैं, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। क्या पॉइंट क्लियर है कंसेंट्रिक में क्या फर्क है? अब चले आगे, ये देखो इसमें तीन कंसेंट्रिक मेटल शेल है, थिक नहीं है, कंसेंट्रिक है, तीन शेल्स है, एक का रेडियस आर है, एक का टू आर है, एक का थ्री आर है, ये मेरे को गिवन है। गिवन चार्जेस, वो कह रहा है कि ये तीन रेडियस हैं इनके, और गिवन चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। डायग्राम पे मत जाएं प्लीज, ये बाद में देखेंगे। वो कह रहा है कि तीन शेल्स हैं, एक पे मैंने अंदर वाले पे चार्ज क्या दिया, Q1, उसके बाहर क्या दिया, Q2, उसके बाहर क्या दिया, Q3, मैंने दिया वो चार्ज, इंडक्शन के चार्ज दिए, मैंने दिया वो चार्ज। आगे, इट इज फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल्स आर इक्वल। तो सिग्मा की वैल्यू फर्स्ट शेल में, डायग्राम ना देखें कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये कैसे आ गया, क्योंकि वैल्यू तो Q1, Q2, Q3 है। तो पहले शेल के आउटर सरफेस का सिग्मा, दूसरे शेल के आउटर सरफेस का सिग्मा, तीसरे शेल के आउटर सरफेस का सिग्मा बराबर है। सिग्मा होता क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, सही है। अगर मैं सिंपल सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछूं कि आउटर सरफेस का चार्ज इतने है, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक शेल है, जैसे ये Q1 है, जैसे जस्ट इमेजिन करो ये R रेडियस है, एक शेल है Q2 है, 2R रेडियस है, एक शेल है जिसके ऊपर क्या है, 3R है और Q3 चार्ज है ना, यही है ना एक्चुअल सिचुएशन, यही है। मुझे सिर्फ ये बताओ Q1, Q2, Q3 तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, ऐसा क्यों, ये चेंज क्यों होने वाले हैं, स्पेशली Q2, Q3 ऐसा क्यों, इंडक्शन होने वाली है ना, जो अंदर का चार्ज है वो बाहर के शेल्स पे क्या कर देगा, इंडक्शन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसके चार्ज को हिला देगा, चेंज कर देगा। तो चाहे आपने चार्ज Q1, Q2, Q3 दिया था,
पर इंडक्शन इनके चार्जेस को मैनुपलेट करेगा करेगा, सही है, यहाँ तक चेंज हो जाएगा। पर चलो जो भी चार्ज हो, सिग्मा तो बराबर रहेगा इन दी एंड। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपको ये पता ही नहीं कि इसके ऊपर अब नया चार्ज कितना है या कितना है या कितना, कुछ नहीं पता आपको, बस आपको ये पता है कि कुछ चार्ज है, तो ये बताओ इसका एरिया कितना है, 4πr², इसका एरिया कितना है 4π2r², और आखिरी का एरिया कितना है 4π(3r²)। ये स्टेप समझ में आता है, ये क्लियर है। अब वो कह रहा है कि सिग्मा बराबर है, सिग्मा होता क्या है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर अंदर के शेल पे सिर्फ Q1 चार्ज है तो बताओ यहां क्या रेशियो पुट करूं Q1 की टर्म में ताकि ये रेशियो बराबर आ जाए। ये 4 है नीचे, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा 4Q1, तो यहां पर क्या चार्ज होना चाहिए 4Q1, ऐसे ही होगा। और ऐसे ही यहां पर क्या आ रहा है 9, यहां पर क्या होगा 9 × Q1। क्या ये स्टेप क्लियर है, चेक कर लो क्या रेशियो क्लियर है, साइड पे लिख लेना अपनी शीट पे, ये लिखा नहीं हुआ इसमें, कि अगर सिग्मा की वैल्यू सेम है तो ये सिग्मा की वैल्यू तीनों में सेम करने के चक्कर में मैंने क्या किया, सिग्मा की वैल्यू सेम करने के चक्कर में मुझे पता लग गया कि इन दी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, सब कुछ चार्ज मैनुपलेट करने के बाद आउटर सरफेस पे जो चार्ज आना वाला है वो तो ये आना ही पड़ेगा, तभी सिग्मा सेम होगा, तो सिग्मा चेंज हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, यही लॉजिक है। तो ये आपको खुद सोचना है इसमें, क्योंकि सिग्मा सेम करना है, तो मुझे ये पता लग गया कि इसके अगर अंदर का चार्ज, अगर इसके अंदर का चार्ज Q1 है तो इसके बिल्कुल जो बाहर है ये चार्ज कितना आएगा 4Q1 आएगा, और भी बाहर क्या आएगा 9Q। देखो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ये मेरा फिक्स हो गया, मैंने शॉर्टकट मार लिया ना, सिग्मा की वैल्यू देखते शॉर्टकट मार दिया कि अब दुनिया का अंदर बाहर जो मर्जी चार्ज चेंज हो जाए मैं कम से कम इन्हें नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि सिग्मा मुझे क्या रखना है सेम, सही है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये बताओ अगर ये Q1 है, है ना, ये Q1 है, देखो डायग्राम समझ में आ, 9Q1 4Q1 Q1 अदर डायग्राम समझ में आ गया, ऐसा डायग्राम उसने क्यों बनाया था, ये स्टेप क्लियर है। अब इंडक्शन का इफेक्ट देखते हैं। अब इंडक्शन क्या कहती है, इंडक्शन ये कहती है कि अगर ये चार्ज Q1 है, ये बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा -Q1, सही है। अगर ये -Q1 है तो ये बताओ कि इसके बाहर भी तो एक चार्ज आएगा बाय इंडक्शन कितना +Q1, है ना, तो ये क्या बनेगा 5Q1 ऐसे बनेगा। या चलो और इजी समझाता हूं थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लो कि सपोज करो मेरे पास जो चार्ज है यहां पे तो Q1 है, देखो इंडक्शन हमेशा अंदर से बाहर जाती है, इंडक्शन बाहर से अंदर नहीं आती, ऐसे जाएगी ऐसे नहीं आती, तो विल स्टार्ट विद इनर, इनर में तो फिक्स है मेरा चार्ज Q1 ही रहेगा। और मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि मैंने इनको चार्ज कितना दिया था Q1 Q2 Q3 किनको, तीनों शेल्स को। अब वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, मेरी हेडेक नहीं है, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने दिया था उसकी रेशियो क्या है, सही है। तो देखो रेशियो निकालने का एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा रेशियो निकालने के लिए, ये Q1 है बाय इंडक्शन यहां पर क्या हुआ होगा -Q1 हुआ होगा, बाय इंडक्शन यहां पे क्या हुआ होगा +Q1, ठीक +Q1। तो मतलब इसका अपना चार्ज शुरू में क्या रहा होगा 3Q1, क्योंकि एक Q1 तो नीचे से आ जाएगा, इसका खुद का कितना रहा होगा 3Q1, तभी तो यहां पर टोटल क्या होना चाहिए 4Q1। ये तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता ना 4Q1, ये तो मैं चेंज ही नहीं करूंगा किसी भी हालत में, चाहे मुझे ये बोलना पड़े कि Q1 -Q1 इसके अंदर घुसी हुई है इंडक्शन, तो मेरा एक Q1 चार्ज उसके अंदर छुपा हुआ है, सही है। तो अब 4Q1 फिक्स हो गया, इसको तो मैं चेंज नहीं करूंगा, अगर क्योंकि मैंने 5Q1 बोल दिया जिसमें कर रहा था तो फिर सिग्मा हिल जाएगा, सिग्मा तो हिलाऊंगा नहीं किसी भी हालत में, 4Q1 की वैल्यू चेंज करूंगा नहीं, ये जरूर बोल दूंगा कि Q1 ने -Q1 ने अंदर घुसा हुआ है इसके Q1 इंडक्शन वाला, फिर इंडक्शन फिर लगी -Q1। अब ये नहीं बोलूंगा कि -Q1 ने +Q4Q1 किया, अब बोलूंगा कि +4Q1 यहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसका अपना चार्ज क्या था 5Q1, अपना तो 5 ही था ना,
तो ये बताओ कि अगर इसका अपना Q1 था, इसमें माइनस Q1 से प्लस Q1 तो इंडक्शन का गया, तो इसका अपना कितना चार्ज था? 3Q1। इसका मतलब मैंने इसको 3Q1 दिया था, इसका माइनस 4Q1 में से 4Q1 तो इंडक्शन से आया है, तो इसका अपना कितना था? 5Q1 तो शुरू में दिया था, तो रेशियो क्या बनेगी? 1:3:5 इज द आंसर। ये अच्छी पहेली है ना, कमाल है, मतलब ऐसे भी घुमाएगा। हाँ कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, वैसे नॉर्मल ठीक आते हैं, बट पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि कैसे आपने इसमें सोच लेना है। कोई डाउट इसमें? एक्सेप्शनल क्वेश्चन लेके आया हूँ, वैसे रेगुलर आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसे छुपा छुपा के इंडक्शन नहीं कराऊंगा, इंडक्शन खुले हम करेंगे। देखो प्लस Q1 माइनस Q1, इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें बैरियर लगा दिया कि सिग्मा बराबर रखना है, तो मेरे चार्ज फिक्स हो गए। अगर वो ना लगाता, उठा के मैंने भी फिर प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 कर देनी थी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो इसमें फॉर कॉम्पिटिशन ओनली, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन ओनली। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? आपको याद है फिजिक्स वालों को ना एक प्रॉब्लम है, शेल में से शेल काटने की, डिस्क में से डिस्क काटने की, सारा दिन काट पीट करते रहते हैं। सेंट्रो मास निकालो, फिर कहते हैं डिस्क में से डिस्क काट दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बची हुई डिस्क का, ऐसा होता था। फिर आ गया एक और प्रॉब्लम, एक स्फेयर है सॉलिड स्फेयर, तो एक सॉलिड स्फेयर है और ये नॉन कंडक्टिंग, लिख लेना नॉन कंडक्टिंग है, ये सॉलिड स्फेयर है। इस सॉलिड स्फेयर के अंदर चार्ज है रो डिस्ट्रीब्यूशन है, रो लिख लेना, इसके ऊपर रो भी के बने, और इसके अंदर से एक कैविटी मैंने काट के फेंक दी, तो ये होल है, कैविटी है, खाली जगह। तो इसके अंदर कोई भी अगर आप पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें पी, उसके ऊपर मुझे ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसकी वजह से? बचे हुए स्फेयर की वजह से ई क्या होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो यहां पर शुरू से डिस्कस करें तो ये था पहले स्फेयर, ऐसा था पहले स्फेयर, ऐसा था, इस स्फेयर के अंदर कोई पी पॉइंट था सेंटर से आर डिस्टेंस दूर। हमने सॉलिड स्फेयर के अंदर क्या सीखा था कि सॉलिड स्फेयर के इनसाइड अगर आपको ई निकालना है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव किया था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में। सॉलिड स्फेयर के अंदर मैंने करवाया था, बड़ा फेमस फॉर्मूला, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आ गई, डन, ये आंसर क्लोज हो गया। अब मैंने कहा कि इसमें से मैं कैविटी काट रहा हूं, कैविटी काट रहा हूं, कैविटी काट रहा हूं कैसे, सच दैट ये देखो, ये मैंने कैविटी बना दी, स्फेयर निकाल दिया, ये जो स्फेयर है इसका सेंटर सी डैश है, इस स्फेयर का सेंटर सी था, इन दोनों में डिस्टेंस कितना था? ए। तो आपको न्यूमेरिकल में गिवन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ए, दोनों सेंटर की दूरी कितनी है? ए, और वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर। आपको बताना है कि इस पी पॉइंट पे, इस कैविटी के इनसाइड कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो पी, आपको ई की वैल्यू बतानी है, इसमें क्या होगी। तो मैंने कंसिडर कर लिया ये वो पॉइंट पी है, मुझे और कुछ गिवन तो था नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ए गिवन है। तो मैंने कहा कि चलो एक वेक्टर, ए वेक्टर गिवन है, इसके सेंटर से इसकी दूरी क्या है? आर वेक्टर एज्यूम कर ली, और इसके सेंटर से दूरी क्या है? बी वेक्टर एज्यूम कर ली, और इस ट्राइंगल लॉ में बी वेक्टर रिजल्टेंट है ए वेक्टर का और आर वेक्टर का। तो यहां से आर वेक्टर क्या आ गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया, आर वेक्टर आ गया। अब मैं दो रिजल्ट्स लगाऊंगा, इमेजिन करो ये कैविटी क्यूविटी कुछ नहीं है, पूरा स्फेयर है, कंप्लीट स्फेयर है, कुछ नहीं काटा। अगर ये कंप्लीट स्फेयर है तो इसके सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितनी है? बी। इसके सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितनी है? बी। तो ये बताओ अगर ये कंप्लीट स्फेयर है और बी डिस्टेंस दूर, मैं पूछूं कि ई की वैल्यू कितनी है पूरे स्फेयर की वजह से, तो आंसर क्या होगा? रो बी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह मैंने डिस्टेंस क्या कर दिया? बी। सही है? कोई डाउट? अब एक काम करो, पूरे स्फेयर को भूल जाओ, छोटे स्फेयर को लो, छोटे स्फेयर के अंदर चार्ज है, इस छोटे स्फेयर के सेंटर से इमेजिन करो चार्ज सिर्फ इसी इसी में है, इसमें कुछ नहीं है, ये है ही नहीं है। तो अगर छोटा स्फेयर है, छोटे स्फेयर के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, ई का कंट्रीब्यूशन क्या है? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, पर हमने छोटा स्फेयर तो काट दिया, तो उसका इफेक्ट टोटल में से क्या कर दिया? माइनस। मतलब पूरे स्फेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर यहां पर 10 है, छोटे स्फेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर 2 है, अगर छोटा स्फेयर काट दिया तो कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 10 में से 2 गया 8। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहले पूरे स्फेयर का इफेक्ट ले लिया,
फिर बचे हुए स्फीयर का ले लिया, दोनों को माइनस किया तो ये टर्म आ गई, और आर वेक्टर को क्या पुट कर सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसे ओपन किया, कैंसिल करने पे ये टर्म आ गई। आपने आपको ये कुछ नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, आज के बाद ऑब्जेक्टिव ऐसे एक सेकेंड में होगा, काटने दो चौ कैविटी काटता है शॉर्टकट, ये रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ दो सेंटर में वेक्टर गिवन है चाहिए, ए और कुछ नहीं चाहिए, ना आर चाहिए ना बी चाहिए। बनाओ डायग्राम, एक स्फीयर के अंदर स्फीयर कैविटी लिखना और दोनों सेंटर्स के बीच में वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, दोनों सेंटर्स के बीच में वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ये देखो नोट लिखा हुआ है, ये लिखना है, ये डायग्राम लिखना है और ये लिखना है, ई वेक्टर इज रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है, तुम पी पॉइंट जहां मर्जी ले लेना कैविटी में, पी पॉइंट कैविटी में जहां मर्जी लेना, ई की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट, ये नोट कर लें। कौन करेगा वहां बैठ के कि ए वेक्टर बी वेक्टर, मैं तो ना कर सकता इतना, केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन ही कर लूंगा इतने में, कौन बनाएगा ये ट्राइंगल लॉ, बना दिया कोई ना बनाता, सीधा शॉर्टकट ए वेक्टर, समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्लियर होने हैं पेपर, ऐसे नहीं होने ए वेक्टर अभी वेक्टर ले लेके, समझ में आ रहा है? यहां तक कैविटी में क्या रिजल्ट लगेगा, वैसे सेंटर ऑफ मास में भी हमने काफी शॉर्टकट किए थे कैविटी वाले, याद है? नहीं होंगे याद, ठीक है, कुछ करते तो थे, शॉर्टकट्स बनाते तो थे ऐसे कुछ। ठीक, आयजा सिंह है वहाँ पे, आदित्य गर्ग, आदित्य गर्ग है ये तो, अच्छा पूरा आदित्य गर्ग लिखता है तू, आदित्य तो याद है मेरे को, धीरेन, धीरेन नहीं है, धीरेन ऑनलाइन है, धीरेन यस सर, ठीक है, आयुष तो है नहीं, ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला, नहीं करना, और ये प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। ये मेथड बता सकता हूँ ऐसे, पर इसकी भी मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है अभी, आप इसको देखना चाहें तो आप देख, ये प्रीवियस ईयर में मिलेगा आपको मेंस में, तो ये मेंस के बीच में कुछ कुछ नोट किए हुए हैं, तो आपको जो बुक रिकमेंड करूँगा मेंस की उसमें आपको मिलेगा, या आप खुद ट्राई करेंगे, डिस्क की प्रॉब्लम है ये, ठीक है, तो मैं अभी इसको नहीं करवा रहा हूँ, इसमें ये करवाने जा रहा हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो मेंस में ना इतनी बार आया हुआ है ना, आपको मतलब एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको तो यार, नॉट फॉर सीबीएसई लिख लेना, बड़ा बड़ा नॉट फॉर सीबीएसई लिख लेना, बोर्ड के लिए पढ़ के मत चले जाना, फिर मत कहना कि पढ़ पढ़ के फेल हो गए, नंबर नहीं आएंगे मैं बता रहा हूँ आपके, अगर ये पढ़ लिया तो, क्योंकि जो चीज़ आनी नहीं मैं क्यों फालतू में करवाऊँ, सॉलिड फेयर नॉन कंडक्टिंग सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के, नॉन कंडक्टिंग के अंदर न्यूमेरिकल नहीं आते सीबीएसई में, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन चाहिए होती है ना, इसलिए देखो ये मेंस के लिए तो ऑल टाइम फेवरेट है, और ये नीट के लिए भी इतनी बड़ी इंटीग्रेशन तो नहीं कहूँगा, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है रो की वैल्यू वो आपको दे रहा है इज अ फंक्शन ऑफ आर, यानी कि आर के ऊपर डिपेंडेंट है, आर नहीं भी लिखोगे चलेगा, रो की वैल्यू कितनी है क्यू by pi capital R square into small r, where capital Q पूरे स्फेयर का चार्ज है, सॉलिड स्फेयर की बात कर रहा है ये, रो है तो सॉलिड स्फेयर होगा, सिग्मा कैसे होगा, है ना, सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, कैसे होगा, वॉल्यूम वाइज होगा, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्मॉल r पे डिपेंडेंट है, तो अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, और अब स्मॉल r डिस्टेंस दूर, रो की वैल्यू ये होगी, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, रो की वैल्यू होगी क्यू आर बाय क्यू स्मॉल आर बाय पाई कैपिटल आर रिस पावर फोर, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो ये वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई, यानी कि अगर मैं इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं पर हूँ तो रो कम है, क्योंकि
क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, थोड़ा दूर जा रहा हूँ तो रो ज़्यादा रो ज़्यादा रो ज़्यादा। तो चार्ज सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे सबसे कम है, रादर पॉइंट पे तो बिल्कुल है ही नहीं, स्मॉल आर जीरो, फिर बढ़ते 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 बढ़ता जा रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, कभी भी लैम्डा या रो नॉन यूनिफॉर्म हो, इंटीग्रेशन तो लगनी ही लगनी है, जो मर्जी कर लो। सही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब कैसे लगनी है, कहाँ लगनी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं आगे। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें रो कांस्टेंट है, सिंपल वर्ड्स में, और कोई मुझसे ये पूछे आर रेडियस है, इसका टोटल चार्ज क्या होगा, तो मैं सिंपली रो को इसके वॉल्यूम से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, क्लोज। ये बता रहा हूँ। पर अगर रो की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, फिर मैं सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, फिर मुझे स्मॉल चार्ज निकालना पड़ेगा और उसकी क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। कोई डाउट इसमें? अब स्मॉल चार्ज निकलेगा कैसे, इसको समझते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ई को छोड़ो। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपको ये रो गिवन है और आपको इस सॉलिड स्फीयर पे टोटल चार्ज निकालना है, पहले ये काम करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के अंदर वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। आप इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक शेल ले, एक शेल, थिक शेल, हल्का सा मोटा शेल, जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, और रेडियस क्या है, आर्बिट्री स्मॉल आर, क्योंकि शेल के बाहर शेल के बाहर शेल के बाहर शेल चिपकाते जाओ, क्या बनेगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो कोई भी एक शेल ले लिया, अगर मैं इस शेडेड पोर्शन का चार्ज निकाल दूं और सभी ऐसे शेल्स के शेडेड पोर्शन के चार्जेस को मिला दूं, तो सॉलिड स्फीयर का चार्ज आ जाएगा। सही है, तो पहले छोटा चार्ज निकाल लूं। इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, थिकनेस क्या है, डी आर, और वॉल्यूम क्या होगा इस शेडेड पोर्शन का, एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, टोटल वॉल्यूम पूरे स्फीयर का वी है, तो शेल का क्या माना जाएगा, डीवी। कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लियर है? अब स्मॉल चार्ज क्या होगा, या स्मॉल चार्ज क्या होगा, इसके अंदर जो स्मॉल चार्ज होगा वो इसकी रो की वैल्यू को स्मॉल वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई, तो रो इंटू डीवी क्या होगा, स्मॉल चार्ज होगा। कोई डाउट इसमें, रो इंटू डीवी स्मॉल चार्ज है, ठीक। और टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, यही रूल है। तो टोटल चार्ज ठीक लिखा, लिख लेता हूं यहां पर, टोटल चार्ज इन सॉलिड स्फीयर क्या आएगा, ये टर्म आएगी। कोई डाउट इसमें? तो रो की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दें, क्यू आर बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और डीवी हम निकाल चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सही है, हमारे सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या है, बड़ा आर, तो लिमिट 0 से बड़ा आर तक लगाएंगे अगर टोटल स्फीयर का चार्ज निकालना है। अगर आर वन तक निकालना है तो आर वन तक, वो डिपेंड करता है कि हमने चार्ज कितने स्फीयर का निकालना है। मान लो पूरे स्फीयर का निकालना है तो 0 से कैपिटल आर आंसर आएगा। तो एक फॉर्मूला रजिस्टर में ये टेक्निक को नोट करो, ये लो, भूल जाओगे ये, कभी भी लिख लो, अगर रो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल रो की वैल्यू 2R, एग्जाम्पल लिख लो, रो गिवन है 2R, नया क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक, और आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ऐसे बनाए, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। आपको इस क्वेश्चन में स्मॉल, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड, लिख लेना फाइंड टोटल चार्ज, ये निकालना है, फाइंड टोटल चार्ज ऑफ अ स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर है, रूल नंबर 1, क्या लेंगे इसमें, एक शेल, ये एक शेल लें, एक शेल बनाएं, इस शेल की थिकनेस क्या लें, डी आर, और रेडियस क्या लें इसका, स्मॉल आर। इस शेल का जो वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम, वो क्या होगा, एरिया ऑफ शेल इंटू थिकनेस लें, और स्मॉल चार्ज क्या होगा, रो को इसके स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, रो वॉल्यूम क्या है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर, ऐसे। तो
तो ये लिखें, ठीक। तो टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू रो की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, इनटू डीआर की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर तक। रो की वैल्यू मेरे को पता है 2R है, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डीआर जीरो से कैपिटल आर तक। तो यहां से 8 पाई बाहर आ गया, आर क्यूब डी आर जीरो से आर तक 8 पाई, इसकी इंटीग्रेशन आंसर देगी आर क्यूब बाय 3, दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नोट करवा दिया, टोटल चार्ज का फॉर्मूला पॉकेट में नोट कर लें, एक साल बाद भूल जाएगा, मेरी गारंटी है, साल छोड़ो महीने बाद ही भूल जाएगा, और ये आएगा सॉलिड स्फीयर में चार्ज निकालना आएगा। तो ये नोट कर लें पूरी टेक्निक, जब फॉर्मूला रिवाइज देखो वो चीज़ लिखें, ये कम से कम 5-6 बार आया हुआ है मेंस के अंदर, 5-6 बार कम से कम, नीट में भी आ सकता है। नीट में क्या करेगा, इतना छोटा रो ले लेगा ना, नॉन मेडिकल में रो बड़ा ले लेगा, अभी लिया हुआ था, नीट में थोड़ा छोटा। टेक्निक तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी है हर क्वेश्चन में, पता है क्या, रो, रो चेंज करते जाओ आंसर आता, रो चेंज करो आंसर। तो मैंने तो याद ही किया हुआ है, अब मेरे से पूछोगे ना कि सर ये क्वेश्चन बताना टोटल चार्ज का, ना तो मैं ये देखूं, ना मैं ये देखूं, मैंने मन में ये याद किया हुआ है, रो इंटू 4πr² dr की इंटीग्रेशन है, रो पुट कर दो, आंसर डन। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अब जब मेंस की प्रॉब्लम करोगे ना, जो भी अपने नीट की, उसमें सॉलिड स्फीयर आ गया तो ऐसे चार्ज निकालना है आपने। प्रॉब्लम बताया क्या है, शेल में लग जाते हैं शॉर्टकट, गॉस थ्योरम के फॉर्मूला लग जाते हैं, सॉलिड स्फीयर में फॉर्मूला नहीं लगते, सॉलिड स्फीयर में तो यही कुछ चलता है, ये प्रॉब्लम। और नॉन यूनिफॉर्म तो हमने कोर्स में किया ही नहीं, CBSE में नॉन यूनिफॉर्म तो होता ही नहीं है, कोई यूनिफॉर्म के साथ काम चलता है, NCERT में तो आएगा नहीं है, स्कूल में तो आता नहीं है, ये बोर्ड में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म सिर्फ कॉम्पिटिशन में आता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका भी तोड़ हो गया हमारे पास, बात ये खत्म, कुछ रहा ही नहीं हमारे पास। ओ हाँ सॉरी यार, आर 4π² आएगा यार, ओ भाई कर क्या रहे हो, ऐसे कैसे लिख लिया, मैंने तो लिख ही दिया, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए, आर 4π² आएगा यार। हाँ जी, समझ में आ रहा है, था ऐसा तो नहीं लग रहा, थोड़ा जोर सा लग रहा है फिजिक्स पढ़ने में, अब थोड़ा थोड़ा, अब वो बातें नहीं रही, सुपर पोजिशन वाली लग रहा है ना, जैसे एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं आप, थोड़ा लग रहा है कि यार कुछ कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, आएंगी, आती रहेंगी, 5-10 मिनट और आती रहेंगी, फिर पोटेंशियल में फिर नॉर्मल NCERT पे आने वाले हैं, फिर ठीक लगेगा, अब ठीक लग रहा है, स्पीड थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर एकदम एंड में दो एक आध लेक्चर फिर ऊपर उठेगा, इट्स ओके, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलता ही रहेगा, सारे दिन जैसे थोड़ा होंगे, ठीक है। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, इसमें टेस्ट स्कैन होके आ गए आपके व्हाट्सएप पे मिल चुके होंगे, टेस्ट का एनालिसिस घर जाके बहुत ज़रूरी है, सॉल्यूशन गूगल ड्राइव पे डाल देने मैंने अभी, इसी टेस्ट के सारे सॉल्यूशन बने हुए हैं, एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, तो आप चाहो तो गूगल ड्राइव पे अपने सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है सारी, तो जहाँ जहाँ आपको दिक्कत लगती है वो एक बार देख ले रहा है, नहीं समझ में आएगा फिर भी पास ले जाना है, ठीक, ज़रूरी है, करें नेक्स्ट, चले ठीक है। अब चलते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है वो कह रहा है जी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है रो, जब ये देख जाओ ना नॉन यूनिफॉर्म रो है पक्का, वो पहला स्टेप तो वही रहेगा चार्ज निकालने का, मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है क्या करना है आपको, ये कह रहा है कि कोई इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, ये पूरा सॉलिड स्फीयर था पूरे का पूरा, इसके अंदर चले जाओ, इसके अंदर कितना जाओ, ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, यहाँ भी चार्ज बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर R1 डिस्टेंस पे जाओ और मुझे यहाँ पे E की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती रो, मज़ा ही आ जाता, मैंने क्या लगाना था, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट आंसर, रो R/R1/3 आंसर, नॉन यूनिफॉर्म है ना तो शॉर्टकट चल ही नहीं पाएगा, हमने शॉर्टकट यूनिफॉर्म के लिए किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर जिसका कोई सहारा नहीं उसका सिर्फ गॉस ही सहारा है, इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं, वही बचा सकता है तुम्हें, और तुम क्या कर लोगे, फॉर्मूले तो लगने हैं नहीं, तो फिर बनाओ गॉशियन सरफेस। तो गॉशियन सरफेस में क्या होगा,
गॉशियन सरफेस में ई इंटू फोर पाई आर वन स्क्वायर इज चार्ज इनसाइड दिस गॉशियन सरफेस ऑफ रेडियस आर वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और आर वन का चार्ज निकालना है तो वही टेक्निक लगाओ जो अभी ये लगाई थी सेम, बस फर्क है कि टोटल चार्ज की इंटीग्रेशन में जीरो से आर ना पुट करना, जीरो से आर वन कर देना, करते रहो इंटीग्रेशन बैठ के आर वन रेज टू पावर फोर बाई फोर सॉल्व करके ही आ जाएगा, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम है, मेन काम ही इसमें चार्ज निकालने का है। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे इसकी एप्लीकेशन है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है ना, सही, ठीक है। मेंस ने फिर अगली बार अगले साल सेम क्वेश्चन दिया, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो थोड़ी चेंज कर गया, कह रहे फिर से एक स्फीयर लो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो लो, रो की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म, रो का फंक्शन चेंज कर रहा है, नोट कर रहे हो, रो चेंज कर रहा है, जो मैंने आपको बुकलेट में रो लिखाया फॉर्मूला में वो कितना आसान था, 2R, अच्छा लग रहा था, जल्दी हो गया, फिर थोड़ा अजीब लगा, फिर थोड़ा और अजीब लगा, फिर मेंस वाले एक्सपोनेंशियल रेस टू पावर वो देंगे, पर आपको टेंशन नहीं मेंस वालों को, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके मैथ्स के टीचर सिखा देंगे, आपके लिए कोई नहीं इंटीग्रेशन, आराम से हो जाएगी आपसे, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नीट वालों को 2R पे काम करना है, उनको नहीं आएगा इतना टफ। तो इसमें रो की वैल्यू इतनी है स्फीयर के रेडियस आर तक, उसके बाद तो रो ही खत्म हो जाएगा, स्फीयर ही खत्म हो गया, तो रो की वैल्यू आउटसाइड जीरो। तो ये देने की जरूरत क्या थी, तो पता ही है अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आ रहा है तो हवा में थोड़ा चार्ज घूम रहा है, तो रो जीरो है। पर देखो उसने कैसे स्टेटमेंट बनाई ताकि लोग कंफ्यूज डर जाएं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? रो की वैल्यू की वैल्यू क्या निकालना है, फिर सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब तो आपको स्टेप पता ही है कहाँ निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है। तो फिर क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर उस स्मॉल आर डिस्टेंस के अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर डिस्टेंस के अंदर का चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है रो, तो पहला स्टेप यही रहेगा। तो रो की वैल्यू पुट की, जीरो से आर तक इंटीग्रेट किया, फिर क्या निकाला, चार्ज निकाला, उस चार्ज को यहां पुट करके ई की वैल्यू आ गई। पर क्योंकि नॉट फॉर नीट लिख लो, नहीं चाहिए इतना बड़ा, चाहिए नहीं आपको, नहीं चाहिए, नॉट फॉर मेडिकल लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, दोनों छुट्टी काटा मार दें, मेंस में आया हुआ है भाई, मैं बोल नहीं सकता कि काटा मार दें, मिलेगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, फॉर एनसीईआरटी या कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन तो बाई डिफॉल्ट ही एनसीईआरटी, तो ये सीबीएसई की प्रॉब्लम है, मिलेगी आपको। वो कहते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ के आते हो, चलो केमिस्ट्री पे लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZD, करवाया हमें, न्यूक्लियस का चार्ज ZD होता है, सराउंडेड बाई अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस कितने, कैपिटल R ले लो, कैपिटल R ये रहा। कह रहे जी देखो एक एटम के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, जिस बड़ा काफ़ी बड़ा बनाया है, ऑफ रेडियस स्मॉल R, जिसमें चार्ज है ZD, इसके आसपास सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कैसे, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, भरे पड़े हैं एटम के अंदर, तो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एटम का रेडियस है कैपिटल R। क्या करना है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल R फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्मॉल R पे, न्यूक्लियस ये रहा छोटा सा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल R डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ई निकालना है, तो बनाओ गॉशियन सरफेस। तो मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें तो फॉर्मूला लग सकता था शॉर्टकट रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी नहीं लगा, क्यों नहीं, चार्ज यूनिफॉर्म नहीं ना, कहाँ पॉइंट पड़ा है, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी पता नहीं कैसी है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए आपको फिर से क्या लगानी पड़ेगी, कॉस थ्योरम, शॉर्टकट ही नहीं है। तो फिर आर डिस्टेंस पे क्या बनाए, इमेजिनरी गॉशियन सरफेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अपने को रो तो गिवन नहीं है, तो पहले रो निकाल लेते हैं। कैसे, आपको केमिस्ट्री में सिखाया एटम न्यूट्रल होता है हमेशा इलेक्ट्रिकली, क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी वॉल्यूम वाइज रो है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, 4/3 πR³ में, तो ये टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स है, और टोटल सम क्या है, जीरो, तो रो आ गया, रो नेगेटिव है, बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो रो तो नेगेटिव आना ही था, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो रो निकाल लिया।
अब आपको आर डिस्टेंस पे जाके ई निकालना है, गॉसियन सरफेस लो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर फ्लक्स आ गया। और गॉस थ्योरम क्या कहती है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, एक तो न्यूक्लियस का चार्ज है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, जेड डी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस क्या है, आर, तो कितना चार्ज है, रो इंटू 4 बाई 3 पाई स्मॉल r³। इस रो की वैल्यू वहां नेगेटिव से निकाल के यहां पुट करके किसकी वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई, आंसर गॉस थ्योरम एटम पे भी लग गई। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें? तो पहले क्या करना है, इसको न्यूट्रल बनाना है, प्रोटोन का चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रो इंटू इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, रो की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है इसमें स्मॉल आर डिस्टेंस पे ई निकालना है, तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल r² टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, जो कि जेड डी है, और इसका चार्ज कितना है, रो इंटू 4 बाई 3 पाई स्मॉल r³। रो की वैल्यू नेगेटिव जो भी है यहाँ पुट कर दी, फिर आंसर जो बचा आंसर है। तो मतलब अगर एटम में कैसे लगाना है, मैंने आपको तरीका बता दिया, हालांकि CBSE बोर्ड में कभी आया नहीं है, बट मैंने इसको CBSE NCERT की बुक में देखा है, तो मैंने इसमें डाला हुआ है इसे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स का पूरा काम अब होता है खत्म। अब फ्लक्स हमने पॉइंट चार्ज पे कर लिया, लाइन चार्ज पे कर लिया, शेल पे कर लिया, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉलिड शीट पे कर लिया, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर में क्योंकि अगर रो यूनिफॉर्म है फिर तो शॉर्टकट लगता है, रो यूनिफॉर्म नहीं है शॉर्टकट नहीं लगता, फिर क्या लगता है, टोटल चार्ज बाय इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है, जो आज किया वो लगाना है। खत्म हो गया फ्लक्स। ठीक है, अब तुम फ्लक्स की जो प्रॉब्लम करना चाहो मेंस में से करो, नीट में से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया फ्लक्स, बोलो। इसमें दिखाइए शक्ल कैसी है। हाँ वो तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना रो, फिर न्यूक्लियस का कैसे एडजस्ट करेगा हमें पता, नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्म है, प्रोटॉन का थोड़ी ना, साथ में एटम का यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ अब आ गया शुरू, अलग टॉपिक है, खत्म है बस ये। इसके बाद जो बुकलेट में शीट होगी, बुकलेट में आपको नहीं दी मैंने, ऑप्शनल है, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन का कैसे निकलता है। तो पहले ये थ्योरी सुननी है आपने, ये थ्योरी सुननी है, फिर कोन का, किसी ने डाउट भी पूछा था, किसी ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर आ जाता है कि ये डायग्राम है कोन का फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला है कोन के फ्लक्स का, और कैसे सॉलिड एंगल से निकाल रखा है, कई बुक्स में ये न्यूमेरिकल भी गिवन है, तो ये सारे न्यूमेरिकल जो टेढ़े मेढ़े न्यूमेरिकल हैं, ये बड़ा फेमस न्यूमेरिकल है, ये भी गिवन है, तो ये बेसिकली मतलब ना ऑप्शनल है, मैंने आता देखा नहीं है, बट बुक्स में दिखेगा आपको, एक आध क्वेश्चन लास्ट वाला एडवांस में भी आया हुआ है, तोड़ के कोई बना दे मैं कह नहीं सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मैंने 2 साल इतनी मेहनत की है, 15 मिनट और सुन लूँगा, तो सुन लेना, आपको लगता है कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, चलता है, मैं से ये नहीं संभल रहा, मैं ये कहाँ संभाल लूँगा सॉलिड एंगल, तो आपकी मर्जी है। मतलब ये वो, अगर बहुत ही ऐसा टॉपिक होता कि इसके बिना तो बस गए, तो यार सबसे पहले मैं करवा ही देता आपको, तो ये ऑप्शनल है सॉलिड एंगल का, अगर आपको रास्ते में मिल जाए आपकी किस्मत है, तो वैसे ही है, जंगल में गए और शेर दिखे ना दिखे मैं कह नहीं सकता, दिख भी सकता है और नहीं दिखा तो ठीक है, दिखा नहीं लेकिन आज तक लोगों को, ठीक है, कहने का मतलब कि ये आया नहीं है आज तक, आ जाए मैं कह नहीं सकता, तो आप इसको रिस्क कवर करने के लिए सुन लेना 10 मिनट लगा के, ये मतलब है इसका, ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 18th इलेक्ट्रिक प्रेशर, नॉर्मल टॉपिक, वापस आ जाऊँ, कॉम्पिटिशन सब खत्म हो गया, कॉम्पिटिशन फ्लक्स का, वापस नॉर्मल जमीन पे वापस, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर का टॉपिक भी CBSE के अंदर मैंने आता देखा नहीं है, नहीं है सिलेबस में, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि क्या बोलूँ मैं, तो जबरदस्त है यार, देख ले नॉन मेडिकल या जुडिशियरी देख ले कोई, यार वकील वकूल बन जा, मैं कहता हूँ बढ़िया रहेगा, लॉ तेरे पक्के हैं, मैं बता रहा हूँ तेरे रूल रहा है, इसको पता है क्या करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, और हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ भी जाए, क्योंकि प्रेशर तो एम ही नाम है इसका, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आधा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है इसमें, तो ई में तो देने में कोई मनाही नहीं उनको, ई तो आ सकता है। ठीक है,
मैं ई से फोर्स निकाल लूंगा, फोर्स को एरिया से डिवाइड करूंगा तो प्रेशर आ जाएगा, एक स्टेप मत करना, ठीक है? तो सुन लो, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा मेरे को लगता है बोर्ड में, लेकिन ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला नोट करवा दूंगा। क्या? इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ चार्ज मेटल सरफेस। देखो होता क्या है, ये ना एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आगे अब इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मेटल की सरफेस है, इसके अंदर सबसे पहले एक पॉइंट को समझना है। ये पेपर में आता है भाई, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सीबीएसई में भी कॉम्पिटिशन में भी आया हुआ पॉइंट है। ये जो सरफेस है ना, ये ना टेढ़ी मेढ़ी है, जानबूझ के टेढ़ी मेढ़ी ली है। अगर मैं इसमें यूनिफॉर्म लूँ, यूनिफॉर्म सरफेस लूँ, जैसे बिल्कुल गोल लेता हूँ, स्फेयर है, और मैं इसे चार्ज देता हूँ, तो वो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और अगर मैं ये पूछूं कि सिग्मा की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, डन, यही बोलेंगे। और सिग्मा चाहे यहां ले, चाहे यहां ले, चाहे यहां, 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 कॉन्स्टेंट ही आएगा, यही बोलेंगे। लेकिन जो सर्फेसिस टेढ़ी मेढ़ी हैं, उनका सिग्मा क्या लेंगे? सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। बताओ जी, इसका सिग्मा क्या होगा? ये देखो, इसका, इसका सिग्मा क्या होगा? इसका सिग्मा क्या होगा? इसका सिग्मा क्या होगा? आपने एक चीज नोट की, इसके अंदर यहां पर देखो चार्ज अलग, यहां अलग, जानबूझ के बनाया है। इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर आपका कंडक्टर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, हाँ, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सिग्मा बराबर होता है। लेकिन अगर ऐसे शार्प एंड्स हैं, तीखे एंड्स हैं, सिग्मा बराबर नहीं था पूरी सरफेस पे, कहीं सिग्मा ज्यादा कहीं कम, वो डिपेंड करता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। जो तीखे पॉइंट्स आएंगे ना, तीखे पॉइंट समझते हो, ये तीखे तीखे पॉइंट है ऐसे, ये रे, एक होते हैं ये खुला वाला एरिया, ये देखो ये खुला एरिया है। इसका रेडियस ना, अगर इमेजिन करो, सिर्फ इतनी सरफेस को सर्कल की तरह कंसिडर करूं और सर्कल बनाऊं, तो इसका रेडियस बहुत बड़ा आने वाला है। लेकिन अगर ये तीखा वाला पॉइंट बनाऊं, इसका सर्कल छोटा आने वाला है। तो हम बोलते हैं इसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। अब जहां तो एरिया बड़ा दिखेगा आपको, वहां चार्ज कम होगा, ठीक? कहने का मतलब सिग्मा बोलना चाहिए। सिग्मा का मतलब पता है क्या होता है? कितना चार्ज है कितने एरिया पे, कितना चार्ज है कितने एरिया पे। तो आप बस मुझे एक चीज बताओ, यहां पर सिग्मा बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जगह कम है, चार्ज को तो जाने ही जाने। देखो चार्ज तो एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल वैल्यू से रिपेल करेगा, लेकिन प्रॉब्लम जगह की है, यहां जगह कम है, तो यहां सिग्मा बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया कम है, कम एरिया पे चार्ज स्टोर हो रहा है। चार्ज तो बराबर ही होने वाले हर तरफ से, लेकिन एरिया कम है, एरिया कम है तो सिग्मा बढ़ जाएगा। लेकिन जहां एरिया ज्यादा है वहां सिग्मा कम हो जाएगा, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपको ऐसे तीखे पॉइंट दिखाएगा, जितना तीखा पॉइंट मिलेगा ना आपको, वहां यानी कि जगह कम है, रेडियस कम है, वहां सिग्मा ज्यादा ही मिलेगा, और जहां पर एरिया बड़ा मिलेगा वहां सिग्मा कम। तो यानी कि एक स्टेटमेंट है, सिग्मा इज नॉट, या सिग्मा इज लोकल टू द सरफेस। लोकल समझते हो, लोकल, लोकल एरिया, एक है ग्लोबल, ग्लोबल वैल्यू सेम है, इंडिया में जाओ ग्लोबल वैल्यू सेम है, एक है लोकल, स्टेट टू स्टेट मैटर कर गया, गली मोहल्ले में मैटर चेंज हो रही है वैल्यू, तो ऐसा ही हो रहा है। देखो ना, छोटी छोटी जगहों पर सिग्मा चेंज हो रहा है, इट इज लोकल टू द सरफेस। लोकल एरिया चेंज हो जाएगा, सिग्मा भी चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ये वर्ड लोकल क्यों यूज करते हैं? सिग्मा इज ऑलवेज लोकल टू द सरफेस। तो समझ में आ रहा है यहां तक? चलो, ये तो मुझे याद आया, इसको देख शक्ल देख के कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कम से कम ठीक तो हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर नहीं रहेगा कंडक्टर में, वो भी किसमें? जिसमें शेप चेंज हो रही है। कोई डाउट इसमें? आगे अब देखो, इसमें क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना पॉजिटिव, ये पूरा चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका एक एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, बचा हुआ चार्ज, इतना बड़ा चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये उड़ के को टूटने वाला तो है नहीं, पर फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर मैं निकाल दूं और इसके एरिया से इसे डिवाइड कर दूं, तो क्या माना जाएगा इसके ऊपर? प्रेशर। वो प्रेशर किसने लगाया? मैं तो नहीं लगाया ना, उस बॉडी के अपने चार्ज ने प्रेशर लगाया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो प्रेशर क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है? प्रेशर इसलिए लग रहा है
क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक कंडक्टर के ऊपर, तो एक पोर्शन के ऊपर बचा हुआ चार्ज रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, तो हर सरफेस पे कोई ना कोई फोर्स लगती जाएगी, और उस फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये निकालना है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो इसको करने से पहले एक चीज समझते हैं, ये रिजल्ट आपके सीबीएसई एनसीईआरटी में दिखेगा आपको, ये वाला, और आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं इसे। क्या रिजल्ट है? मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, लिख लेना ये एक कंडक्टर है, प्लीज, यहां लिखा नहीं है मैंने, लिखना चाहिए मुझे, दिस इज अ कंडक्टर, लिख लो। तो मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा सिग्मा की वैल्यू अनइक्वल है। मेरे को क्वेश्चन में कहा गया कि आप यहां पे बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा दूर, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा दूर, इस कंडक्टर की वजह से यहां पे ई निकाल दें, ठीक है, मतलब इस सरफेस, इसकी सरफेस के बिल्कुल पास कोई भी एक पॉइंट ले ले जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज ई लगाएगा, वो ई क्या होगा, और शेप भी यूनिफॉर्म नहीं है, अगर तो स्फेयर होता फिर तो बात ही क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर से आंसर आ जाना था, स्फेयर नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर ई निकालना है। देखो अब मुझे समझ में तो आ नहीं रहा ई कैसे निकलेगा, या तो मैं गॉसियन सरफेस लूंगा तभी आंसर आएगा, तो मैंने भी एक क्लोज सरफेस ले ली, इमेजिन कर ली मेरे को यहाँ पर ई निकालना है, तो मैंने यहाँ एक गॉसियन सरफेस ले ली ऐसे, ये ली, ऑफ एरिया ए जहाँ पर मुझे ई निकालना है। अब मैंने एक क्लोज बॉडी ऐसी ली कि जिसका कुछ पोर्शन इस कंडक्टर के अंदर है और कुछ पोर्शन कंडक्टर के बाहर है, पर है तो क्लोज बॉडी। अब ये जो क्लोज बॉडी है इसमें ई वेक्टर, अगर मैं जहां पे मुझे ई निकालना है वहां प्लस वन रखूं, तो ये पॉजिटिव प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ई और एरिया में एंगल क्या होगा, जीरो। ई इंटू ए, इंटीग्रेशन ही करना, अंडरस्टूड है, ई इंटू डीएस करके ई इंटू ए आएगा, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा और ई वेक्टर ऊपर होगा, E और एरिया एंगल में एंगल क्या है, 90। तो इस सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि E और DS में एंगल इसमें क्या बना हुआ है, 90। छोड़ दें इसे, इसके अंदर एक ये कंडक्टर के अंदर की जगह है, कंडक्टर के अंदर तो E एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो इसको तो वैसे ही छोड़ दो, फ्लक्स आएगा ही नहीं, इसका आएगा नहीं, कंडक्टर के अंदर ई नहीं होता, साइड पे ई बने, फ्लक्स बनेगा नहीं, तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किसका बन रहा है, इसका, कितना बन रहा है, ई इंटू एरिया, इतना ही बन रहा है, और दिस फ्लक्स इज इक्वल टू इस क्लोज बॉडी के अंदर का चार्ज। इस क्लोज बॉडी में मान लो यहां पे चार्ज है सिर्फ इतने पोर्शन में, यही चार्ज है, और मान लो ये वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू क्यू, तो क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ए। अब Q की वैल्यू गिवन तो है नहीं, अपने को तो सिग्मा गिवन होना चाहिए, क्योंकि इसमें एरिया बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, एरिया कितना है इसका, A, और वैल्यू कितनी है, सिग्मा, तो सिग्मा इनटू A इस पोर्शन का क्या आ गया, चार्ज, तो Q की जगह क्या पुट किया, सिग्मा इनटू A, क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है, तो इसमें सिग्मा इनटू A चार्ज है, इक्वेट करके E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लोज बॉडी ली, यहां पे E निकालना है, यहां पे E और एरिया में एंगल क्या है, जीरो, फ्लक्स इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, टोटल फ्लक्स ई इंटू इसका एरिया, ई इंटू एरिया, चार्ज इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसका एरिया क्योंकि ए है, सिग्मा मुझे गिवन है यहां का, सिग्मा इंटू एरिया चार्ज आ गया, एरिया एरिया कैंसिल, ई की वैल्यू आ गई। तो एक रिजल्ट नोट कर लो, किसी भी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टिंग सरफेस, लिख लो, फॉर एनी कंडक्टर, ठीक, एनी चार्ज कंडक्टर, ऐसे डायग्राम बना लो, E की वैल्यू, यहां पे E की वैल्यू बना लो इस पॉइंट पर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहती है। पर एक चीज और नोट कर लो, क्योंकि रैंडम शेप है, सिग्मा हर एरिया का डिफरेंट है, तो E की वैल्यू भी हर एरिया के आसपास डिफर करेगी, यहां अगर सिग्मा ज्यादा हो गया तो E भी ज्यादा आएगा, यहां सिग्मा कम हो गया तो E भी कम आएगा, तो ऑब्जेक्टिव आएगा स्टेडी मेडी सरफेस का, कहां ई ज्यादा कहां ई कम, जहां सिग्मा ज्यादा वहां ई ज्यादा, जहां सिग्मा कम वहां ई कम, ये ऑब्जेक्टिव आएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं आपको, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बस एक्सपीरियंस ही है, मैं बता रहा हूं जो मुझे याद आता जाता है,
अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो इतनी चीज़ें कंपाइल नहीं कर पाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इतना मैं पढ़ के बहुत टाइम लगाऊंगा सीखने में, पता नहीं कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ पर समझूंगा कि ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो ना, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्वेश्चन को भी, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन भी चलते हैं। हाँ, मैंने स्टूडेंट को बताया था, डाउट पूछा था मुझसे, तो ये एक्सपीरियंस है, मुझे याद आ रहा है कि ये चीज़ें मैंने की हुई हैं। तो साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपकी शीट के अंदर वो क्वेश्चन आएंगे भी देखना। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो ये रिजल्ट क्लियर है। चलो अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे चलते हैं, असली चीज़ तो प्रेशर है। देखो प्रेशर में ना इस रिजल्ट को यूज होना है, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में पूछूंगा यहाँ पर ई क्या है, आप बोलोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे है, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट बताओ मुझे, मेरे को मान लो ये एक्स पॉइंट है, मान लो ये एक्स पॉइंट है और मुझे एक्स पॉइंट पे ई निकालना है, ठीक है। और ऐसे ही एक वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट पे भी मुझे ई निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ जरा ध्यान से समझना, वो ये कि अगर मैं कोई पॉइंट इस कंडक्टर के अंदर लेता हूँ, इनसाइड लेता हूँ, तो ये रिजल्ट तो मुझे याद है, किसी भी कंडक्टर के अंदर E की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की हुई है ना, शेल के अंदर भी तो E जीरो आता है, तो Y पॉइंट का E तो 100% जीरो ही है, मानते हो इस चीज को, जीरो। किसी ने पूछा कि ऐसे याद कर लें इसका एक्सप्लेनेशन, तो मैंने कहा देख तूने वो प्रूफ किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, मैंने एनसीईआरटी की डेरिवेशन करवाई थी टेक अ शेल, और मैंने शेल के अंदर प्रूफ करवाया था ई की वैल्यू क्या होती है चार्ज शेल के अंदर, जीरो। और उसने कहा था वो तो शेल है ना, ये शेल थोड़ी ना, ये तो रैंडम शेप बॉडी है, तो इसका ई कैसे जीरो, ये तो प्रूफ किया ही नहीं, शेल का तो मुझे याद है रिजल्ट, इसका कैसे जीरो, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है। तो फिर उनके लिए एक एक्सप्लेनेशन सुनो, ठीक है, वैसे ही जीरो ही होता है, ठीक। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बाकी बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, एंड ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर मुझे ई वाई पॉइंट पे निकालना है तो इस चार्ज ने इसे रिपेल किया होगा और बाकी बचे हुए चार्ज ने सभी वैक्टर टेढ़े मेढ़े लगाए होंगे, नेट वैक्टर कहाँ आया होगा, ऊपर आया होगा, सच दैट दोनों वैक्टर की वैल्यू आपस में क्या हो गई होगी, कैंसल, इसलिए ई की वैल्यू भी जीरो आ जाती है। थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि क्यों जीरो हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा, क्लियर है। अच्छा चलो ऐसे सही, मैं इस रिजल्ट को ऐसे समझाता हूं कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि पहले आपको देता हूं गिवन, आप ये याद कर लो रिजल्ट कि किसी भी कंडक्टर के अंदर ई जीरो है, याद हो गया। तो फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ठीक है यहां पर ई जीरो है, फिर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई जीरो कैसे हो सकता है, यहाँ भी चार्ज है, पूरी बॉडी पे चार्ज है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ ई लगाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ ई लगाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ ई लगाएगा, ये वाला ऊपर लगाएगा, नेट ई जीरो कैसे हो गया, आप कहोगे पूरे पोर्शन का वेक्टर सम कैंसिल कर गया और नेट आंसर क्या आ गया, जीरो। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, सही है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? या और शॉर्ट और बेटर एक्सप्लेनेशन ये दो कि चलो इस पूरी बॉडी को दो हिस्सों में बांट लो, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये लो दो कलर लगा दिए, ठीक है। इस रेड वाले हिस्से ने वाई पॉइंट को, रेड वाले हिस्से ने वाई पॉइंट को यहां पे ई लगाया, तो इस पिंक वाले हिस्से ने इस वाई पॉइंट पे उल्टा ई लगाना ही लगाना है, ताकि इन सबका वैक्टर सम पिंक वाले का इधर ही जाना है, ताकि नेट वैक्टर क्या हो जाए, जीरो, सही है, तभी बात बनेगी। इससे एक नया रिजल्ट निकल के आया, क्या कि जितना ई ये छोटा पोर्शन लगाएगा उतना ही बचा हुआ पोर्शन भी ऑपोजिट ई लगाएगा, सही है यहां तक। तो जो छोटा पोर्शन ई लगाएगा बचा हुआ पोर्शन भी उतना ही ई लगाएगा, कोई डाउट इसमें? फिर मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, मैंने कहा चल एक काम कर तू ना मुझे एक्स पॉइंट पे ई निकाल के दिखा। अब एक्स पॉइंट पे ई कैसे निकलेगा, एक्स पॉइंट पे ई ऐसे निकला कि इस पोर्शन ने यहां पे प्लस वन को रिपेल किया तो ई कहां लगाया, इस तरफ, तो बचे हुए पोर्शन ने भी ई कहां लगाया, प्लस वन को रिपेल किया तो ई इस बार इस तरफ,
यहां पे दोनों ई ऑपोजिट कैंसल, तभी तो आंसर क्या आया था, जीरो। लेकिन बाहर कैंसल नहीं हो पाए, दोनों ई की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, तो नेट ई क्या आ गया, ई वन प्लस ई टू। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है? तो देखो ई की वैल्यू एक्स पॉइंट पर क्या आ गई, ई वन प्लस ई टू। पर हमने एक रिजल्ट शॉर्टकट किया कि किसी भी कंडक्टर के बाहर अगर ई निकालना है तो इतना सोचने की जरूरत क्या है, सीधा आंसर क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, ये भी थ्योरी ठीक है, ई वन प्लस ई टू, तो टोटल सम क्या आना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर ही हैं, तभी तो वाई पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल। तो ई वन ई टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ये पता लग गया कि एक कंडक्टर के इस पोर्शन ने अगर यहां पे ई लगाया सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इस पोर्शन ने, तो बचे हुए पोर्शन ने भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू लगाई, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्या स्टेप क्लियर है? और अगर ये पूछूं कि पूरे कंडक्टर ने कितना लगाया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर ने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस पोर्शन ने सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, बचे हुए पोर्शन ने भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ताकि टोटल ऐड करने पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या रिजल्ट क्लियर है? ठीक, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो आप एक एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट है ए बी, एक एलिमेंट है ए बी। अब मैं प्रेशर की वैल्यू निकाल लूंगा, प्रेशर के लिए ये अज्यूम करूंगा कि बचे हुए पोर्शन ने इस पोर्शन को फोर्स लगाई होगी, फोर्स से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा। तो मान लो ए बी पोर्शन है जिसके ऊपर स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो इस डी क्यू चार्ज पे बचे हुए, उस ए बी पोर्शन को छोड़ दो, बचे हुए पोर्शन ने इसके ऊपर फोर्स क्या लगाई, डी क्यू इंटू ई टू। डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी एस। मान लो उस ए बी पोर्शन का एरिया डी एस है, तो सिग्मा इंटू डी एस इंटू ई टू। ई टू की वैल्यू अभी आपने निकाल के दिखाई, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। जो बचे हुए पोर्शन ने ई कितना लगाया, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप क्लियर है? तो यहां से ये डी एफ आ गया, और प्रेशर क्या होता है, डी एफ बाई एरिया, फिर से इसको डी एस से डिवाइड कर दिया, तो प्रेशर बन गया। प्रेशर का फॉर्मूला सॉल्व करके आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन नहीं आएगी, समझाने के लिए फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री करो, ये आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अगर रेंडम शेप बॉडी है, सिग्मा हर पॉइंट का चेंज होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी चेंज होगा। तो सिग्मा रैंडम बॉडी का चेंज होगा, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट सिग्मा, रूल नंबर वन। सिग्मा डिफरेंट होगा, ई की वैल्यू भी हर पॉइंट की डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी डिफरेंट होगा। डेरिवेशन नहीं आएगी, सिर्फ ये आएगा, ओनली फॉर्मूला, ओनली, चाहे कॉम्पिटिशन है चाहे एनसीईआरटी है, ओनली फॉर्मूला। सिर्फ समझाने के लिए था कैसे हुआ, ठीक है, समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कौन सा लिखवा के देख रहा है कोई आपको, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और लिख दिया सिग्मा इज लोकल टू द एरिया। ठीक, अब मुझे पता है किसी भी कंडक्टर के बाहर ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। वापस यहां पे पुट कर दें, पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो दूसरा प्रेशर का फॉर्मूला लिखें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, दोनों नोट करें प्लीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर्मूला बुकलेट में दोनों नोट करें, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक, अगर आया, वैसे आज तक आया नहीं, वो टेंशन नहीं है, एक ही बार क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का आज तक, और वो ये आया है, आपके पास दो हेमिस्फेयर्स हैं, दो हेमिस्फेयर, ये दो हेमिस्फेयर्स हैं, दोनों के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। मैं जब पास लेके आता हूं ना, ये एक दूसरे को धक्का मारते हैं, मारेंगे ही, तो क्या लगा रहे हैं, फोर्स। एक और चीज क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बड़े हो गए हो आप, फोर्स की का प्रेशर भी बोल सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव और फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर भी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या फोर्स एक ही बात है। आगे मेरे को इनको पकड़ के रखना है ताकि सेपरेट ना हो, तो मिनिमम फोर्स मैं क्या लगाऊं, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने लगाई है फोर्स, एफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और एरिया याद रखना जितने हेमिस्फीयर्स हैं, इस टाइप में जब ये ऐसे मिलाए जाते हैं और फोर्स निकाली जाती है, हम कभी कर्व सरफेस एरिया लेते नहीं हैं, हम क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं इसे, पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन मिलेगा आपको, आज तक एक ही क्वेश्चन मैंने देखा और मैंने नोट कर लिया, तो आपको भी अगर दिख जाए पुराने पेपर्स में तो लेके मत आना, तो हो गया सॉल्व, ठीक है। तो देखो ना,
मेन टॉपिक ना करवाऊँ, आप मेरे पास आ जाएँ 12 बजे, आप सर देखना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो सोचो मेरे को कितना बोलना पड़ेगा। और ऐसे 10 लोग आ जाएँ, चलो 10 तो होंगे जो प्रणय पर सॉल्व करेंगे एक्चुअल में, वो तो आएंगे ना, तो मैं 10 लोगों को 10 बार कैसे समझाऊँ इतनी कहानी, और अंदर से और 2 कहानियाँ और निकल के आई, सिग्मा चेंज होता है, एक नई कहानी पता लगी, फिर सिग्मा चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है, ये कहानी पता लगी कि किसी भी कंडक्टर के बाहर ई का फॉर्मूला सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, पूरे कंडक्टर की वजह से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा चेंज होगा, ई चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, तो सब कुछ चेंज होता है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आया तो एटलीस्ट इस लेक्चर से आप मार्क कर सकते हैं। ठीक, टॉपिक इसलिए नहीं करवाए जाते कि आएगा नहीं, क्यों करवा रहे हैं, अंदर से बहुत चीज़ें निकल के आती हैं इसलिए करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ वैसे ना पढ़े इट्स ओके, सुन लिया तो भी ओके चलेगा। चलो ये टॉपिक खत्म होता है, और अब चलो जी खत्म हो गया एक फेज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स पहले दिन से लेके आज तक, अब ये अलग हो गया, छोड़ दो खत्म हो गया। अब खत्म क्यों हो गया, क्या लिंक्ड नहीं है, लिंक्ड है। अब तक हम चार्जेस उसकी फोर्स और फील्ड को पढ़ रहे थे इन वेक्टर फॉर्म, अब हम पढ़ेंगे चार्जेस का अफेक्ट इन स्केलर फॉर्म। स्केलर हमेशा बढ़िया होता है क्योंकि वेक्टर वेक्टर सुपरपोजिशन बंद, सीधा वैल्यू बोलो डन आंसर खत्म। तो अब सेम काम करेंगे स्केलर में, जैसे एक चार्ज आसपास क्या लगाता है, अपने आसपास फील्ड लगाता है, ठीक है, और ऐसी एक चार्ज अपने आसपास उसी पॉइंट पर पोटेंशियल भी लगाता है। अब ये पोटेंशियल क्या चीज़ है, तो पढ़ते हैं नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं देखो नॉर्मली होता क्या है, बुक्स में ऐसे मेंशनड है, सबसे पहले वो सिखाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके बारे में न्यूमेरिकल असाइनमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगी, फिर 4-10 पेज के बाद वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर थ्योरी बताएगा, फिर न्यूमेरिकल आएंगे, फिर आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो थ्योरी आएगा, फिर न्यूमेरिकल आएगा। मैं आपको तीनों इकट्ठे सिखाऊंगा, एक ही गो में सारा चैप्टर क्लोज, एक ही तीर से तीनों के तीनों उड़ा देने हैं, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं ज़्यादा। मैं समझाता हूँ कैसे। तो बेसिकली तीन चीज़ें ना इकट्ठी चलती हैं, ठीक है। पहली चीज़ चलती है जिसको बोलते हैं, मैं थ्योरी अपने उसमें बाद में आता हूँ फिजिक्स की लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, पहले सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसका चलता है, पोटेंशियल का, साथ ही कॉन्सेप्ट चलता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और साथ ही कॉन्सेप्ट चलता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, पोटेंशियल क्या है, सिंपल वर्ड्स में, एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर तो फोर्स नहीं लग पाएगी इससे, तो इसके बाहर बहुत दूर एक चार्ज पड़ा हुआ है q डैश चार्ज है। इस q डैश चार्ज को आप मान लो यहाँ पे लेके आते हैं, इसके फील्ड में लेके आते हैं, तो मान लो a पॉइंट पे लेके आते हैं विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम q, तो ऐसा करने में आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। जो आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन रादर मैं डेफिनेशन चेंज करता हूँ, ये q डैश की जगह ना +1 करो, +1 चार्ज को यहाँ लेके आते हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब आप कहोगे कि ये वर्क डन क्यों करना पड़ेगा यार, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद है, क्या डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्या थी, बड़ी गंदी वाली थी, हाँ इन्फिनिटी से लेके आओ एक मास को एक पॉइंट पे रखो और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है,
क्या साइंटिस्ट लोग पागल है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या करते रहते हैं सारा दिन बैठ के? क्यों? पॉइंट है, देखो बहुत सिंपल है, ये रहा चार्ज क्यों, कमरे में बैठा है अकेला, ठीक है, और सपोज करो एक और चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, वो घर बैठा है, ठीक, आने को तैयार ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों, कहता देखो ये रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए है, ठीक, मैं उसे बोलता हूँ जब इस कमरे में आ, वो कहता है ये मेरे को भगा देता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सही है। तो वो कहाँ बैठ गया, इस रूम के बाहर, कहीं भी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होगा, तो मेरे लिए वो पॉइंट इन्फिनिटी है। अब वो चाहे वहां पे हो, चाहे इसका घर हो, चाहे मैं दुनिया का कोई कोना हो, अगर ये इसे अफेक्ट नहीं कर पा रहा दूसरे चार्ज को, फिर वो इन्फिनिटी है, सही है, उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। चलो वो चार्ज घर बैठे, मैं कह रहा हूँ तू चल यार, वो चलने को तैयार नहीं है, अब मुझे ज़बरदस्ती खींच के लाना है, तो खींच के लाऊंगा क्योंकि इसे रिपेल करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो मैंने उस चार्ज को उठा के कमरे में ले आया, अब कमरे के अंदर एंटर किया, फील्ड में एंटर किया, शुरू में ये दूर दूरी थी, मुझे वर्क डन कम करना पड़ा, फिर मैं जैसे जैसे पास लेके आ रहा हूं मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा ताकि चार्ज को यहां से यहां रख दूं, मुझे क्या करनी पड़ेगी, छोटे छोटे वर्क डन को मिलाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा वो मेरा पोटेंशियल है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। अब दूसरा, वो चार्ज मान लो कमरे में वहां बैठा था, मैंने किसी ने पकड़ के रखा हुआ उसे, क्योंकि ये तो इसको रिपेल कर ही रहा है, तो वो चार्ज तो बस किसी ने उसको छोड़ा और वो भाग गया, ये इसको भगा देगा, अब इन्फिनिटी में नहीं है, कमरे के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और किसी ने कहा कि सर उसकी सीट ना यहाँ चेंज करो, इसके पास लेके आओ, मैं कहूँगा यार वर्क डन करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है वहां से वहां कर रहा हूँ, वर्क डन तो करना पड़ेगा, तो अब मैं वर्क डन करूंगा फ्रॉम टेकिंग दैट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम अ फाइनाइट डिस्टेंस टू अ फाइनाइट डिस्टेंस, एंड बोथ डिस्टेंसेस लाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के चार्ज को लेके आना है, और पोटेंशियल का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से उठा के लेके आना है, सही है यहां तक। अब कोई कहता है सर ये फिर आपस में रिलेटेड कैसे हैं, तो मैंने कहा देख रिलेटेड ऐसे हैं, तू दो बार काम कर ले, तो ऐसा कर तू एक बार उस चार्ज को कह अपने घर जा, उस चार्ज को पहले वहां रख, तेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, हाँ कहता आएगा, फिर उसको उसको फिर घर छोड़ा, घर से उठा के इसको यहां पे लेके आ सीधा, तेरा फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, ज्यादा आएगा, मैंने कहा आएगा, अगर तू इन्फिनिटी से उस चार्ज को यहां लेके आ रहे उसको पोटेंशियल बोलेंगे इस पॉइंट का, और ऐसी इन्फिनिटी से वहां पे रख रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल है, और अगर तू दोनों वर्क डन को माइनस कर दे तो क्या आएगा, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो बोलते हैं V1 V2 V2 माइनस V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम दो बार एक्सरसाइज कर लो कि तुम पहले उस चार्ज को घर से लेके आओ, इन्फिनिटी से लेके आओ, फिर घर छोड़ के फिर इन्फिनिटी से लेके आओ, दो बार वर्क डन निकालो, दोनों को माइनस करो, पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंगल कर लो ना, उस चार्ज को घर के छोड़ वही बैठे रहने दो, उस चार्ज को उठा के यहां से यहां ले आओ, तो भी क्या माना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आइडिया समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट इसमें? अगर मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करूं तो उस चार्ज की वैल्यू हमेशा प्लस वन ही रहेगी, उस चार्ज की वैल्यू हमेशा प्लस वन ही रखनी है। अगर मैंने पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, प्लस वन चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और कौन सा चार्ज, इसकी वैल्यू का यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कोई कहता है कि सर यूनिट पॉजिटिव ही क्यों, मैं तो क्यू टू चार्ज लूंगा। हाँ, तुम अगर क्यू टू चार्ज लोगे और इन्फिनिटी को यहां पे रखोगे, फिर उसकी डेफिनेशन में पोटेंशियल मत बोलना, उसकी डेफिनेशन में बोलना उसे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में वो चार्ज की वैल्यू प्लस वन नहीं रहेगी, कुछ भी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, घर से लेके आना है और यहां पे रखना है, अगर उसकी वैल्यू प्लस वन हुई फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल। अगर क्यू टू हुई तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर क्लोज हो गया, अगर ये बात समझ में आ गई
एक हफ्ता बस यही करता रहूंगा, लोगों को ये नहीं समझ आता। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस ये पूरे चैप्टर की क्लोजिंग कर दी मैंने, बाकी तो फॉर्मेलिटी है, टाइम पास ही करना है, ये कर दो वो कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे ऐसे, देख खत्म हो गया, इतना ही है। समझ में आ गया यहाँ तक? बस इसको नहीं कभी आपने छोड़ना, इन डेफिनेशन को, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। करें स्टार्ट फिर ये, फिर से बताऊँ? नहीं बताऊँगा, फिर तीनों बताऊँगा, क्योंकि चलने तीन है चैप्टर में, चलना तीन है, लिख के बता देता हूँ। ये देख देख, सबसे पहले क्या है? पोटेंशियल, ठीक है, फिर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तेरा चार्ज ये रहा, क्यों ये बैठा हुआ है तू? इन्फिनिटी पे चलें, बहुत दूर, इन्फिनिटी से क्यू डैश चार्ज को लेके आ रहा हूँ और इसके यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ तो करना पड़ेगा। इस अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लूं, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन क्लियर होगी? ठीक है, नेक्स्ट। फिर से क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इन्फिनिटी से मैं क्यू डैश चार्ज को लेके आता हूं से। हाँ हाँ, ला रहा हूं, पहले क्यू डैश को लेके आता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में प्लस वन तो होगा नहीं ना, तो क्यू डैश को लेके आता हूं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम वर्क डन, सेम आंसर आएगा, सेम है। पर किसी ने कहा सर डेफिनेशन तो प्लस वन की है ना, चार्ज को प्लस वन को लेके आना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये चार्ज कितने चार्ज को कैरी कर रहा हूं? क्यू डैश। अगर प्लस वन को कैरी करता तो वर्क डन डिवाइडेड बाय ये पोटेंशियल, आपने टेंथ में किया हो तो हुआ है, पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मैंने टेंथ की बुक देखी है यार, ऐसे ना करो यार, किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी में किया तो हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वर्क डन बाय चार्ज। वो अलग बात है कि आप टेंथ में तो ना पूछते थे कि ये क्या होता है, आप कहते याद कर लो, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, टेंथ आसान होती है, वह फॉर्मूला है, क्या करवाया टीचर ने? वर्क डन 10 जूल, चार्ज 2 कूलम, आंसर, टेंथ बढ़िया है हमारी, देखिए मैंने किताब, ऐसे ही होता है। चलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई कसूर नहीं आपका यार, टेंथ ऐसी है, प्लस टू में तो कुछ और ही चीज़ें हो जाती हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या था? फोर्स अपॉन चार्ज, ये क्या है? पोटेंशियल, वर्क डन बाय चार्ज। अरे फिजिक्स में है ही दो चीज़ें, एक फोर्स और एक एनर्जी। आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे किया? फोर्स। अब आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे करेंगे? एनर्जी। तो फोर्स वेक्टर, एनर्जी स्केलर, शुरू हो गया काम, फोर्स की जगह वर्क डन, बट नाम चेंज होते जा रहे हैं करेक्टर्स के। समझ आ गया यहाँ तक पोटेंशियल? अब बात कर, ये तो क्लियर है वैसे, इसके यूनिट क्या हैं? जूल। पर इसके यूनिट क्या हैं? जूल पर कूलम। जूल साइंटिस्ट का नाम था, कूलम साइंटिस्ट का नाम था, और जिसने डेफिनेशन बनाई वो वोल्ट साइंटिस्ट का नाम था, तो वो कहता है इनको हटाओ, मेरा नाम क्या है? वोल्ट। तो वोल्ट, वन वोल्ट क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आज के बाद तुम वोल्ट को रोज याद करोगे, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू चार्ज है, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे क्यू डैश को चार्ज को लेके आए तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। पर ये प्रॉब्लम ये है कि क्यू डैश का वर्क डन है, हमें किसका निकालना है? प्लस वन। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, सेम है, तो फर्क ये है, ये इन्फिनिटी से आर का है और ये बी से ए का है, अंदर ही अंदर है। ये पूरी कहानी है पूरे चैप्टर की। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, सही है, कोई डाउट यही पूछ लो, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखो कैसे आपकी शीट्स निकलती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पहला, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल विच डिटरमाइंस फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये कैसे? अब नई बात होगी, पोटेंशियल कहता वो टर्म है जो बताता है चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ये कैसी बात हुई? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताता था? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव कहाँ जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था, कह रहे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था पोटेंशियल भी बता सकता है। वो तो वेक्टर था, अब मैं स्केलर से समझाऊंगा। पोटेंशियल भी यही काम करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड करता था। तो पोटेंशियल क्या करेगा? ये बताएगा आपका चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा। चार्ज बाय नेचर फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, वो भी बताता है। वो क्या कैसे बताता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के दो तरीके हैं, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड से और दूसरा पोटेंशियल से। हमने आधा इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, अब हम आधा करेंगे पोटेंशियल से। सही है यहां तक? क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये Q1 चार्ज है, इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेके आ रहा हूं, कहां पे? यहां पे रखूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो वर्क डन करूं, तो जब मैं वर्क डन इन्फिनिटी पे, तो देखो इसमें फोर्स जीरो है, तो इन्फिनिटी पे तो वर्क डन जीरो है, पर कभी ना कभी तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 घुसेगा। जब Q2 घुसेगा तो फोर्स लगनी स्टार्ट होगी। तो मान लो ये पॉइंट है जिसकी दूरी अभी कितनी है यहां से x, तो यहां पर फोर्स क्या लगेगी? फोर्स लगेगी 1/4πε0 Q1 Q2 by x2, क्योंकि x इज चेंजिंग तो फोर्स इज ऑल्सो चेंजिंग। सही है? तो इसके अंदर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की राइट लगेगी, आपके डिस्प्लेसमेंट कहां है? लेफ्ट है। तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 180। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स यहां पर वेरिएबल है। तो कॉस 180 माइनस 1 है, फोर्स की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर 1/4πε0 Q1 Q2 by x2 है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए चार्ज कहां से आया? इंफिनिटी से। और रखना कहां पर? एट अ डिस्टेंस ऑफ r पे। तो लिमिट क्या पुट करेंगे? इंफिनिटी से r। इंफिनिटी पे वर्क डन क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि इंफिनिटी पे फोर्स ही नहीं लगती। और r डिस्टेंस पे लाने में वर्क डन कितना है? w। तो w कांस्टेंट बाहर आ गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या है? x की पावर -1/-1, माइनस माइनस प्लस हो गया। x की पावर -1 इज 1/x। लिमिट पुट करेंगे एक बार 1/r, एक बार 1/∞, विच इज जीरो। अगर इंटीग्रेट करें तो मेरे पास ये आंसर आएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन का। डेरिवेशन नहीं आएगी, डोंट वरी, नहीं आएगा, डेरिवेशन नहीं आती। ठीक, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसके ऊपर एप्लीकेशन आती हैं इसके। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, एनर्जी आ गई। तो टॉपिक का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस का ये फॉर्मूला नोट करो कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, तो सिस्टम की ये एनर्जी है दो चार्जेस की। Q1 Q2 बाय r स्क्वायर नहीं है, Q1 Q2 बाय r है।
कॉन्सेप्ट पता है एनर्जी का, तो देखो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में सॉल्व हो गए। और अगर मान लो पेपर में आ भी जाए तो क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज इन्फिनिटी से नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, फाइनाइट से फाइनाइट में आएगा। तो पहला डिस्टेंस क्या है, आर ए, दूसरा क्या है, आर बी। तो आर ए से कहाँ पे आएगा, आर बी पे आएगा, कोई डाउट। बाकी पूरी डेरिवेशन सेम है, कितना चार्ज आ रहा है, मान लो क्यू टू चार्ज आ रहा है, सेम डेरिवेशन, सेम लिमिट चेंज हो गई, इन्फिनिटी से आर की जगह आर ए से आर बी, ठीक। तो इसकी इंटीग्रेशन सेम, एक बार एक्स की जगह आर बी, एक बार आ रहे, तो ये क्या आ गया, वर्क डन। बट पॉइंट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में अमाउंट ऑफ चार्ज जो कैरी करके लेके आना है इन्फिनिटी से, वो Q2 नहीं है, वो क्या है, 1। तो ठीक है ना, फिर अगर Q2 का वर्क डन W है, तो 1 का वर्क डन क्या होगा, W डिवाइडेड बाय Q2। तो इस Q2 को यहां ले आए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, सही है यहां तक, क्या पॉइंट क्लियर है। बट मेरे हिसाब से ये डेरिवेशन करना बिल्कुल बेकार है, वो मैंने की है, बुक्स भी करते हैं, मैं नहीं प्रेफर करता, ना आपको करने की जरूरत है। पता है क्यों, आप सिंपल ऐसे बोलो, इस Q1 चार्ज ने, मैं नया डायग्राम बना देता हूं, अब ऐसा बोलो इस डायग्राम में कि आपके पास एक Q1 चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ठीक है। आप बस ये बोलो, इसका डिस्टेंस आर बी है और इसका डिस्टेंस आर ए है, ये बताओ कि Q1 ने यहां पे पोटेंशियल कितना लगाया, पोटेंशियल कितना लगाया। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल बताऊं, सपोज ये वैल्यू क्या आती है, VB, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, VB, VB, और यहां पे पोटेंशियल क्या लगाया, VA, VB, VA, चार्ज कहां से कहां आया था, A से B, चार्ज कहां से कहां आया, A से B, तो फाइनल पोटेंशियल क्या है, VB, इनिशियल क्या है, VB, VA, इसे बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। मतलब दो पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का यहां से ये फॉर्मूला बहुत क्लियर है, ये देखो, वर्क डन बाय चार्ज। तो क्या मैं लिख सकता हूं डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, यूज कैसे करना है मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। तो जो मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई, तो समझ में आ रहा है कैसे लिखा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल, कुछ करना ही नहीं है, फिर चलते हैं इन्फिनिटी पे, चार्ज Q2 को लेके आते हैं, सेम डेरिवेशन, ये गलत लगे पेज, यहां से ऐसे आएगा, यहां से सेम डेरिवेशन, इन्फिनिटी से आर, कौन सी, जो पोटेंशियल एनर्जी में लगाई थी, सेम आंसर आ गया, ये देखो सेम आंसर, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो लेके आए हम Q2 चार्ज को, तो इतना वर्क डन करना पड़ा, लेकिन पोटेंशियल की डेफिनेशन Q2 चार्ज की नहीं है, पोटेंशियल की डेफिनेशन प्लस वन चार्ज की है। तो Q2 चार्ज को जब लेके आए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन तो इतना था, पर हमने तो वन चार्ज को लेके आना है, तो इसको Q2 से क्या कर दिया, डिवाइड, आंसर आ गया पोटेंशियल का, ये रहा पोटेंशियल। तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर वन डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। तो बेसिकली पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या निकली, अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी को किस चार्ज को उठा के लेके आया, Q2, तो जिस चार्ज को उठा के लेके आना है उसी चार्ज से डिवाइड करना है, जो स्टैटिक चार्ज है Q1 उससे डिवाइड नहीं करना, किससे डिवाइड करना है, जो उठा के लेके आ रहे हैं Q2, तो जूल पर कूलम इसके यूनिट्स है, जिसको वोल्ट बोलते हैं। ये तो थ्योरी की बातें हैं, अगर मैं फॉर्मूला पूछूं पोटेंशियल का, तो आप ये नोट कर लें फॉर्मूला बुकलेट में, अपने फॉर्मूला बुकलेट में, कि अगर ये चार्ज Q1 है, r डिस्टेंस दूर, मुझे पोटेंशियल निकालना है, जहां पोटेंशियल निकालना है वो इन्फिनिटी, तो समझाने की बातें होती हैं, जहां पोटेंशियल निकालना है चार्ज कहां, इन्फिनिटी से कितना लेके आया हूं मैं, प्लस वन। तो पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, Q1 बाई आर। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 by R। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q1 Q2 by R। एनर्जी में दोनों चार्ज है, पोटेंशियल में एक ही चार्ज है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 by R का स्क्वायर। ध्यान से, सब एक जैसे लगते हैं,
भूलभाल ना जाना कहीं, तो समझ में आ रहा है यहां तक। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया हुआ है, तो मैं ये कह रहा था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वो जो थ्योरी करवाई ना उसको बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं है, बुक्स करती हैं करने तो चाहिए ही नहीं। आप सिंपल ऐसे करो, रखो क्यू वन चार्ज, ये बताओ कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल बोला मैंने बी पॉइंट पे 1/4 pi epsilon naught क्यू वन डिवाइडेड बाई आर बी, और ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा क्यू वन का 1/4 pi epsilon naught क्यू वन डिवाइडेड बाई आर ए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आप चार्ज को अगर ए से बी पे लेके आए हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस, यही तो डेरिवेशन आई थी, जरूरत क्या है लिमिट्स लिमिट लगाने की, जरूरत क्या है, ऐसे ही कर दो ए पे निकालो बी पे निकालो माइनस करो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म। ठीक है, तो ठीक है यहां तक सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली कैसे लगाना है पेपर में वो आना है, कोई थ्योरी आनी नहीं है, कोई डेरिवेशन आनी नहीं है, इन्फिनिटी कुछ नहीं आना, सीधा न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, और इतने आसान और बढ़िया इसके इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा मजा आता ही पोटेंशियल में है, स्केलर है ना, हेडेक ही नहीं है वेक्टर की, वैल्यू बोलो काम खत्म, आसान है, नेक्स्ट टाइम करते हैं।
देखो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है चलो देखो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सुन लो सुन लो, स्टार्ट करने से पहले कोई एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो आज सुबह से एक्सपीरियंस हर साल ही करते हैं, खैर प्लस टू में हर साल शेयर भी करते हैं ये चीज़, लेकिन कई बार कई लोग समझ लेते हैं इस गेम को कि नहीं यार ये तो सीरियस मैटर है, कईयों को लगता है यार क्या फ़र्क पड़ता है, रोज का दिन है जैसे ही तो है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, इसको ऐसे ही चलाते हैं। आज की शीट किसको नहीं मिली? देखो मेंस का रिज़ल्ट आया आज, ठीक है, मेंस के रिज़ल्ट में लोगों के मेरे ख्याल से 60% से लेके 99% तक की रेंज है, तुम जो कहोगे हर टाइप का बच्चा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पढ़े तो अब जादू हो गया अब तो पक्के ही 99 है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी अपनी मेहनत है, तुम कितना पढ़ते हो उस पर डिपेंड करता है। तो एक्सपीरियंस ये है कि जनवरी के अंदर अटेम्प्ट हुआ था पहला अटेम्प्ट, जिस स्टूडेंट के 98.7% थे मतलब उसके 98.8% ना हुए, और पेपर वो कहती है जी इससे ज़बरदस्त पेपर मेरा हुआ ही नहीं आज तक मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ 99+ percentile पक्के थे मेरे, 0.5 नहीं हिला। दूसरा स्टूडेंट उसके 98.5 ही थे उसके भी बढ़ने तो क्या थे 1% घटा के आया है वो, ठीक, मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है, एक स्टूडेंट है हाँ जिसके 90 से सीधा 99 आए हैं, ये एक्सेप्शन है, ये तो मतलब मैंने कम ही देखा है, लेकिन स्टूडेंट बहुत दमदार है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, मैं स्टूडेंट चांस की बात है उसके पहले में 90 आए हैं, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट 98 की ब्रैकेट का था वो स्टूडेंट। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका पहले अटेम्प्ट के अंदर जो स्कोर रहा 0.5 बढ़ना तो क्या था घटा ही घटा है पेपर बढ़िया होने के बावजूद भी, तो ये सीख मिलती है कि पहला अटैम्प्ट मेंस, नीट वाले आराम करें, अभी नीट वाले अपने नॉर्मल अटैम्प्ट पे चले, पहला अटैम्प्ट मेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब क्रिटिकल नहीं बहुत क्रिटिकल है, 160 नंबर पे एक स्टूडेंट के किसी सेट में 98.6% आए हैं सिर्फ 160 नंबर पे, और आज उसी स्टूडेंट के 210 नंबर हैं, वो लड़का कह रहा है पेपर बढ़िया हुआ आधा परसेंटाइल गिरा है, मतलब बढ़ना तो क्या था 200 स्कोर पे कम हो के लिए आया, नंबर ज़्यादा परसेंटाइल कम, और पहले अटैम्प्ट में नंबर कम परसेंटेज ज़्यादा। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, पहला अटैम्प्ट पे जितनी फाइट मार सकते हो उतनी मार लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। देखो दूसरा अटैम्प्ट तो चांस है, लग गया तो लग गया, क्या पता आप भी मिसाल कायम करो 90 से 99, पर मैं ये नहीं चाहता कि आप आने वाले टाइम में लोगों को ये बताओ कि यार हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, अगर मुझे आज पता होता ना कि ऐसा है होता है, कई लोग गेम खेलने के बाद ऐसी बहुत डायलॉगबाजी करते हैं, यार जब मेरे को पता होता ना तो फिर मैं पता नहीं क्या कर देता, मैंने बता दिया। अब ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, अब फिर आप सोचेंगे कि अच्छा फिर ठीक है, अभी तो जनवरी बहुत दूर है, अभी तो बहुत टाइम है, अब दूसरा गेम देखो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है। अप्रैल गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 8 महीने, जनवरी को काउंट नहीं करना, जनवरी सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखी हुई है, एक भी सिलेबस का पार्ट उसमें होगा नहीं, मैं तो नहीं करवाता, मैं तो पीसीबी और पीसीएम की तीन सब्जेक्ट की टेस्टिंग लूँगा, पीसीएम की भी और पीसीबी की भी, ठीक है, मतलब रिवीजन के ऊपर काम चल रहा है उसके ऊपर, और रादर कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जिनका प्लान अलग तरीके से तैयार करके दिया था, जिसको थोड़ी जल्दी सिलेबस ख़त्म करके दिया, कई स्टूडेंट्स का सारे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना प्रेशर, कोई अगर ये कहेगा कि यार मेरा सिलेबस जल्दी ख़त्म कर रहे हैं ये क्या है, पिछला चैप्टर भी शुरू कर दिया फिजिक्स का, अक्टूबर नवंबर में ऐसा हो जाता है, इधर से आगे चलती है क्लास उधर से पीछे चलती है, तो दो चैप्टर इकट्ठे भी चलाने पड़ जाते हैं, फिजिक्स लेकिन एंड की बहुत आसान है, केमिस्ट्री बेस्ड है इसलिए उठाई जाती है, तो कई लोगों का सिलेबस मैंने 15 अक्टूबर को भी ख़त्म कर दिया था, बहुत जल्दी है 15 अक्टूबर, ताकि नवंबर और दिसंबर और जनवरी वो थोरो सिर्फ रिवीजन और टेस्टिंग पे जाएं। मुश्किल क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट होना नहीं पहले अटैम्प्ट में, मैं आपको पहले बता दूं, कहने की बातें हैं सारी, हम पढ़ाते ज़रूर हैं लेकिन प्रैक्टिकल सच्ची बात यही है, इजी और मॉडरेट पे फोकस कर लो, सिलेबस को 4-5-6 बार कर लो रिवाइज,
इजी मॉडरेट पे कर जाओ, मैं बता रहा हूँ आपके सिलेक्शन को रोज आधा पेपर तो हो ही जाएगा, फिर भी पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल उठाना शुरू कर दिया और आपने 1 महीने की जगह 2 महीने लगा दिए एक चैप्टर पे, फिर गए, फिर चाहे आप, मैं कहता हूँ पीएचडी ना कर लो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, डॉक्टरेट कर लो इसमें, तब भी फेल ही हो, आपका मेंस नहीं क्लियर होता। तो भैया इतने डीप में नहीं जाना कि टाइम टाइम 1 महीने का काम 2 महीने में कर लिया, पर हाँ अच्छे से आता है, हाँ आता मेरे को अच्छे से है भैया। ऐसा अच्छा भी नहीं करना कि तुम कहो कि बस अब मैं क्लास ले लूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स की आके, तुमने क्लास से नहीं लेनी, मेरे को मेरे पे छोड़ देने दो, वो मैं कर लूँगा, मेरे को तो पेपर देना है यार। तो कहने का मतलब आपको ना कैलेंडर लगा के टाइम से तैयारी शुरू करनी है। और क्योंकि 15 अक्टूबर के लिए मैंने आपको बोला प्लस टू तो है ही है, साथ में प्लस वन का भी साथ साथ उठाना पड़ेगा। कैपेसिटर तक अभी मैं अलाउ करता नहीं हूँ, कैपेसिटर्स के बाद मैं ओपन करूँगा कि आप प्लस वन का काम शुरू करें, क्योंकि कैपेसिटर तक बहुत एकदम स्पीड अप तेज़ हो जाएगी मेरी नहीं आपकी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का बहुत वो ऑप्शन बहुत मिलेंगे, अभी खुल नहीं रहे ना ऑब्जेक्टिव, आज के बाद अगले एग्जाम एकदम खुल जाएंगे, तो आपका एक लेवल इंक्रीज हो जाएगा उसमें। आपको टाइम चाहिए 1 महीना, जब तक तो कैपेसिटर नहीं होता, कैपेसिटर भी हैवी चैप्टर है, लाइट नहीं है कैपेसिटर, ठीक ठाक दिमागी चैप्टर है कैपेसिटर, आज का लेक्चर भी ऐसा ही है। तो मतलब कुछ लेक्चर ऐसे हैं जिसमें टाइम कंज्यूम होगा, तो प्लीज़ प्लस टू में ही फोकस करें कैपेसिटर्स तक। इलेक्ट्रिसिटी जैसी स्टार्ट होगी वो 10th की कॉपी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजी है, उसके साथ चलाएं तो शुरू कर दें। तो मैं आपको ये थोड़ा अलर्ट कर रहा हूँ, और ऐसे नीट के बता दूँ मैं, नीट का 600 स्कोर पक्का चाहिए आपको किसी भी हालत में, 575 पे बात नहीं बनेगी, साल ड्रॉप करना पड़ जाएगा 25 नंबर के चक्कर में, मैं पहले बता दूँ। 25 तो मैंने बहुत बोल दिया, लोगों को तुम्हारे दो दो नंबर के पीछे देखा है, 2 नंबर 599 पे क्लोज हुई है सीट लास्ट, 598 वाले को 1 साल ड्रॉप करना पड़ा है, मैं बता दूँ आपको, इतना मार्जिन है नीट का। क्योंकि इंजीनियरिंग में तो ये भी कह सकते हैं भाई कोई बात नहीं, पैक ना मिला तो थप्पड़ ले लियो, मेडिकल में एमबीबीएस में क्या बोलूंगा, उधर भी 600 उधर भी 600 उधर भी 600, हर कॉलेज 600 कट ऑफ ले रहा है, करना ही पड़ेगा। और टेक्निक बता रहा हूँ, सक्सेस का मंत्र बता रहा हूँ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपको नीट वालों को तो वहाँ इतना समय नहीं ना कि आप क्वेश्चन पढ़ के सोचें कि अच्छा ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, बस ये क्वेश्चन है ये फटाक दे के आंसर है, इतनी स्पीड करने के लिए आपको कोर्स को कम से कम 5-6 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन देख, क्योंकि आपको मुश्किल पेपर नहीं आता, आपका क्वेश्चन में आपको परफेक्शन ज़्यादा चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही फटाफट फटाफट आंसर देना है, ठीक है। और जो सीबीएसई के लिए इच्छुक हैं वो कोई टेंशन नहीं, उनका कोर्स 2 बार हो जाएगा, ठीक है, सीबीएसई वालों का तो हो ही जाएगा, 2 बार करवा देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है इतनी, प्रॉब्लम उनकी है जो मेंस लेवल पे काम कर रहे हैं और नीट लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो प्लान बहुत सीरियस प्लान दें, इस थॉट दें, टाइम बिल्कुल ना खराब करें, बहुत फोकस स्टडी करें। अगर प्लस टू साथ साथ ना की गई तो नवंबर दिसंबर में जाके हिट करेगी आपको, आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपने अभी साथ साथ प्लस टू ना खत्म की ना ऑब्जेक्टिव, फंसोगे फंसोगे 101%, क्योंकि आप कहोगे मैं काम करता हूँ प्लस टू कच्ची रहेगी, दिसंबर में प्लस टू कर लेता हूँ, भाई फिर प्लस वन कब करोगे खत्म? और आप कहोगे मैं तो जनवरी पढ़ी है, जब जनवरी में कोर्स करोगे तो टेस्टिंग कब करोगे खत्म? तो मैं बता रहा हूँ यही तरीका है इस प्लान को सही एग्जीक्यूट करने का, साथ साथ काम करना है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव करने हैं, और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम खत्म करना है, बस डिले तो 1 दिन का चाहिए ही नहीं, बस और कुछ नहीं है। कोई कोर्स मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला बड़ा खतरनाक टाइप का है, आ जाए मेरे नाम पे उसको छोड़ देना, कह देना सर ने कहा था छोड़ने को, ले छोड़ दिया बस, तब भी सिलेक्शन 99+ जाते हो, चाहिए ही नहीं। 12 क्वेश्चन ठीक करके आई है वो लड़की, 98% लेके आई है वो, बताओ एक सब्जेक्ट में, बता रहा हूँ चाहिए ही नहीं, तुम तो होना ही नहीं चाहिए, तो बड़ी दूर की बात है, होना ही नहीं पहले अटेम्प्ट के अंदर, तुम्हें क्या लग रहा है 25 में से तुम 23 करके आ जाओगे, तुम 22 करोगे, भूल जाओ, हो भी सकता है कर दो तो मैं कह नहीं सकता, कोई एक्सेप्शन केस भी हो सकता है, लेकिन एवरेज अटेम्प्ट 18-20 फिजिक्स में रहता है, और एवरेज अटेम्प्ट मैथ्स के अंदर भी कोई बहुत बड़ा ही रहता है, 12-13-14 पे अटक जाते हैं लोग, 12 टपने मुश्किल हो जाते हैं, केमिस्ट्री में भी 18-20 के पहला अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर 20-20+ भी चले जाते हैं, मैथ में थोड़ा कम रहता है, पर सेकंड के अंदर मैंने प्रॉब्लम बता दी आपको क्या है, ठीक है। तो ये मेरा बताना ड्यूटी बनती है आपको, एंड में झटके ना लगे, क्योंकि ये झटके का कोई, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है कि चलो दोबारा कर लेंगे, कोई दोबारा नहीं है, बस एक ही बार अटेम्प्ट है, जो करना है कर लो, चलो ठीक है। नेक्स्ट इसमें करते हैं
हमने ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट स्टार्ट की थी। आज हम ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट करते हैं प्लस टू की। ऑब्जेक्टिव में शीट नंबर 7 हो गई थी हमारी, चेक करना, ये हो गई थी सारी शीट, हो गई थी। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।